हेलो 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 वन टू फोर वन टू फोर ना जाने जीवन की खुशिया है हेलो 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 वन टू फोर वन टू फोर डन हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर एकदम मज़े में देखिए हम लोग के पास चल रहा है बूस्टर बैच आज थोड़ी सी हमारे पास आ, लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम बढ़ा दिया था लेकिन आप लोगों ने पेशेंस रखी तो और सभी आ भी गए टाइम से बहुत अच्छी बात है हाँ जी सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आ, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करने में लगे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इसका ज़बरदस्त फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है कितने बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इस रिवीजन से हमें ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है और ये फील हो रहा है कि हाँ सारे चैप्टर इस तरीके से रिवाइज हम नहीं कर पाते और अब हम कर पा रहे हैं बताइए जल्दी जल्दी बताइए कितने बच्चों को ऐसा फील आ रहा है चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बच्चे कह रहे हैं एग्जामिशन पक्की है मजा आ गया है अच्छा कई सारे बच्चे अः ये चीज पूछते हैं कि सर क्या बूस्टर के अलावा हमें कुछ और करना है या नहीं करना है तो मैं आप लोगों को बता दूं देखो मैंने बूस्टर के अंदर जितने क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारे मैंने रख लिए ठीक है ना और आप लोग जैसे पूरा बूस्टर कर लेते हैं सारा कंसेप्ट भी हो गया क्वेश्चन भी हो गए उसके अलावा जैसे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं हमारे यहां का बता रहा हूं मैं तो मैंने बच्चों को हर चैप्टर के एंड में फाइनल रिवीजन की एक सजेस्टेड रिवीजन होता है उसमें फाइनल रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो उन्हें ट्राई करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे फास्ट फास्ट्रेक वाले हैं उन्हें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हर चैप्टर के लास्ट में दिए वो भी कर सकते हैं और जैसे बच्चे जो एन के नहीं है बाहर से हैं, वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं उन्हें स्टडी मॉड्यूल में या उन्होंने जिन ऑथर से पढ़ा था जिन भी टीचर से पढ़ा था अगर सेल्फ स्टडी करी थी तो उन्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि वो अच्छे हैं तो साथ में उनको रिवाइज करें तो

करने ही चाहिए तो जितना मैं करवा रहा हूं वो करो उसके अलावा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है बीस पच्चीस क्वेश्चन आपको और मिलते हैं अच्छे अच्छे तो बीस पच्चीस क्वेश्चन और एड ऑन कर लो उन्हें भी कर लो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है अच्छा अब हमारे पास देखेगा कितने बच्चों ने मेटेरियल लेबर ओवर हैड तीनों चैप्टर तीनों चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए हैं कितने बच्चे तीनों चैप्टर के क्वेश्चन कर चुके हैं जल्दी से बताइए एक बच्चा पूछा है सर आज से ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हाँ जी एक बच्चा कह रहे पास्ट ईयर कर लें बिल्कुल यश कह रहे हैं मैंने कर लिए हैं अनिश ने भी कर लिया है पीयूष ने सैलून ने रागिनी ने कर लिया है और दुष्यंत ने कर लिया है रंजन ने कर लिया है शुभम ने कर लिया है सौम्या और आपके धीरू दर्शन शुभम अनुज सौरभ पूजा साहिल साधना इशिका कशिश पुष्कर और आपके कविता सुमित मोनू प्रवीण हर्ष भानु सीपी चंद्र पुटुल साधना पार्थ शुभम हर्ष अदिति वरुण अनुज प्रशांत आदर्शी ये सारे वो बच्चे हैं उपासना साधना सचिन आस्था जाननी अदिति महात्मा गांधी चिराग रमसा श्रेया आदर्श ये सारे बच्चे हैं जो कर चुके हैं ठीक है तो ये जो है ये सारे के सारे बच्चे कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया बात है अब हम लोग चालू करते हैं आज आज हम लोग दो चैप्टर करने वाले हैं बूस्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को जरा बता देता हूं देखिए बूस्टर बेसिकली एक रिवीजन बैच है ये सेवनटीन से चालू हुआ है सेवनटीन से ट्वेंटी सिक्स सेप्टेंबर तक ये हम खत्म करने की पूरी कोशिश है हमारी टोटल इसमें वन थर्टी सिक्स क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और दस लेक्चर में ये अप्रोक्स आपका खत्म हो जाएगा ये रिवीजन बैच कोस्टिंग के लिए है अभी उसके बाद एफ और इको का स्टार्ट होगा ये इंडिया का बेस्ट रिविजन बैच है यूट्यूब पे इस तरीके का कोई दूसरा रिविजन नहीं है हमने यहां पर यह देखा है कि एग्जाम से पहले बच्चे को क्वेश्चन सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है कंसेप्ट याद करने में दिक्कत आती है तो हमने स्टडी मैट आर टी पी एम टी पी पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल के जो स्मार्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन निकालकर वन थर्टी सिक्स क्वेश्चन चुने उसके अलावा कुछ और स्मार्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उन्हें भी कलेक्ट कर सकते हैं डेढ़ सौ पौने दो सौ तक आप ले जा सकते हैं इसको खींचकर स्पीड हमारी पढ़ाने की मीडियम रहती है कवर होता है टाइमिंग 5 8 है है टाइमिंग टू आज बजे चालू हुई क्योंकि थोड़ा सा इशू था वैसे पांच बजे होती है डेली चलेगी कोई छुट्टी हम इसमें नहीं करेंगे आप नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और अपने साथ आपको एक रफ नोटबुक कैलकुलेटर पेन और पानी की बोतल लेकर बैठना है हमारे पास जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल का नाम है सी ए नमी तरोरा तो आप सी ए नमी तरोरा या नमित अरोरा क्लासेज के नाम से अगर जाएंगे तो वहां पर नोट्स पिन किए हुए हैं उसको पिन को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ये कॉस्टिंग बूस्टर बैच नोट्स आपके आ जाएंगे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ये ओपन है इसमें कोई पासवर्ड नहीं है जी अब हमारे पास हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आज लेक्चर फोर है इसमें हमारे पास मेटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट हो गई है आज बहुत सिंपल सिंपल से दो चैप्टर कोस्टशीट और जॉब एंड बैच हम करने वाले हैं कोश शीट एंड यूनिट कॉस्टिंग एक चैप्टर है जॉब एंड बैच एक चैप्टर है स्टडी मॉड्यूल में, तो में एक साथ है तो आपको ये अलग अलग मिलेंगे मैंने ये सारे अलग अलग उठाकर जो सिमिलर थे वो एक साथ रख दिए तो हम आज शीट और जॉब एंड बैच ये दो चैप्टर करने वाले हैं जी हमारे पास सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर फोर एंड यूनिट कॉस्टिंग इसमें आपको सिर्फ प्रिफॉर्मा याद करना होता है कॉस्टशीट बहुत ही फ्री के नंबर है बहुत ज्यादा फ्री के नंबर तो इसमें अगर आपको प्रिफॉर्मा याद है तो आप एग्जाम में इसमें बिल्कुल बिल्कुल नंबर लेकर आ सकते हैं ये बहुत ही आसान चैप्टर है बहुत ही कम टाइम लेगा और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि हर अटेम्प्ट में टेन मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है और सिंपल क्वेश्चन आता है तो ये टेन मार्क्स के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है अब हमारे पास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लाइव चैट यहाँ से बंद अब हम चैट स्टार्ट करेंगे जब कोई कंसेप्ट वगैरह मैं करवा दूंगा और मुझे आपसे कुछ पूछना होगा क्योंकि चैट की वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और हमें डिस्टर्बेंस बच्चों के लिए नहीं चाहिए हमने अपने चैनल से मोनिटाइजेशन भी हटाया हुआ है जिससे बच्चे को क्लास देखते हुए किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो तो हमारे चैनल पर मोनिटाइजेशन नहीं है आप कोई भी वीडियो देखेंगे उस पर किसी तरीके का कोई ऐड आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि अकेडमिक चैनल है तो जो भी वीडियो बच्चा देख रहा है होता क्या है बच्चा वीडियो देख रहा है वीडियो देखते देखते बीच में एकदम से ऐड आ गया उसका तो माइंड ही डाइवर्ट हो गया तो हमने अपने चैनल पे जितना भी कंटेंट डाला है अपने चैनल को नॉन मॉनिटाइज रखा हुआ है हमने लास्ट ईयर हमने इसको नॉन मॉनिटाइज कर दिया था जब बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इससे हो जाता है हा जी अब हमारे पास कोश शीट और यूनिट कॉस्टिंग दोनों एक ही चीज है कोशीट का मतलब कोश शीट का मतलब है कोई एक स्टेटमेंट ऐसा बना दो आप जिसमें आपकी किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट प्रॉफिट और सेल नजर आ जाए यहां पर हमारे पास जो सीए इंटरमीडिएट में कोर्सशीट चलती है वो रहती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आप कोर्सशीट बनाएंगे वो इस तरह से नजर आएगी पहले आप लोग डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे जिससे आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी ओके okay. इसके बाद में आप लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आप ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू और लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू अब आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम लोग इसमें ऐड करते हैं पैकिंग प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन्हें जोड़ने के बाद में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है अगर कोई स्क्रैप वगैरह बिका है तो यहां पर हम लेस कर देते हैं ये हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सामान आपका बनकर तैयार हुआ उसकी कॉस्ट इसके बाद में हम ओपनिंग फिनिश गुड्स लेते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेते हैं इन्हें एडजस्ट करके हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में हम लेते हैं एडमिन ओवरहेड ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन इसे जनरल भी बोलते हैं जनरल एडमिन ओवरहेड फिर हमारे पास आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल के बाद में हम इसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं और हमारे पास सेल्स निकलकर आ जाती है इस प्रफर्मा को ही नाम दिया गया है फंक्शनल क्लासिफिकेशन तो हमारे पास पहले डायरेक्ट खर्चे जोड़ लीजिए सारे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी फिर फैक्ट्री ओवरहेड लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग डब्लू आई पी एडजस्ट करके फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी फिर प्राइमरी पैकिंग क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आते हैं फिर कोई स्क्रैप वगैरह बिकाए कोई बाई प्रोडक्ट बिकाए माइनस करिए आपके पास कॉस्ट ऑफ तो प्रोडक्शन आएगा ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट करिए सीओजीएस आ जाएगा फिर एडमिन ओवर हेड को ले लीजिए जनरल वाले जो बच्चे थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी प्रॉफिट जोड़िए और सेल आपके पास आ जाएगी ठीक है अब ये जो आइटम है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इनका हमने ये परफॉर्मा बनाया है इस परफॉर्मा के अंदर हमने जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम रख दिए हैं तो अगर हमें परफॉर्मा याद हो जाता है तो हम इजीली आराम से अपनी क्वेश्चनशीट बना सकते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर आप रॉ मटेरियल परचेज लेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का जोड़ेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक माइनस कर देंगे तो रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसके बाद में अगर कोई कैरिज इनवर्ड है फ्रेट इनवर्ड है जोड़ दिया जाएगा रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होना चाहिए स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अगर कोई स्क्रैप है रॉ मटेरियल का तो वो यहां से माइनस हो जाएगा और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है

जो आप मेटेरियल खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगाए मान लीजिए अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा अगर जीएसटी लगा है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा वरना इसे भी मेटेरियल की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा ओके फिर हमारे पास आती है डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर इसको हम फैक्ट्री वेजिज के नाम से भी जानते हैं फैक्ट्री वेजिज इसी को बोला जाता है तो यहां पर हम वेजिज और सैलरी लेंगे कोई भी अलाउंस इंसेंटिव मिला है उसे लेंगे ओवर टाइम की पेमेंट बोनस की पेमेंट एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड ईएसआई वगैरह में तो वो जोड़ दिया जाएगा और अदर बेनिफिट कोई देते हैं आप लेबर को तो जोड़ देंगे तो इसका मतलब वेजिज अलाउंस ओवर टाइम की पेमेंट बोनस एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ये सारी चीजें यहां पर एड हो जाएंगी इसके बाद में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं तो बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कई बार कंफ्यूज होता है डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको ध्यान रखना है पावर फ्यूल स्टीम ये डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा है रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है हायर चार्जेज डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं टेक्निकल असिस्टेंस और नो हाउ के लिए कोई फीस दी गई है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी मैं हाईलाइट कर रहा हूं मेन मेन पॉइंट आपके मोल्ड पैटर्न पेटेंट्स का जो भी डेप्रिशिएशन है उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा अगर आपने कोई डिजाइन या ड्राइंग बनवाया है या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लिया है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा कंज्यूमेबल मटेरियल आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और जॉब चार्ज भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर हम देखें पावर फ्यूल स्टीम रॉयल्टी हायर चार्ज टेक्निकल असिस्टेंस पैटर्न डिजाइन सॉफ्टवेयर कंज्यूमेबल मटेरियल और जॉब चार्ट ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है इसकी ठीक है जी इसके बाद में हमारे पास आता है प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट आ गया तो हम अगर देखें तो डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल प्लस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कैरीज इन वार्ड जोड़िए कोई स्क्रैप से रिकवरी मटेरियल की माइनस कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसकी कॉस्ट को हटा दीजिए वेजिज के अंदर सैलरी अलाउंस ओवर टाइम बोनस कुछ भी और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में पावर फ्यूल स्टीम डीजल कुछ भी इस तरीके की चीज लगी है हायर चार्जेज हैं जॉब चार्जेज हैं टेक्निकल असिस्टेंस है नो हाउ के लिए कुछ पैसा दिया है कोई सॉफ्टवेयर बनवाया आपने या फिर आपने कोई डिजाइन बनवाया वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी कंज्यूमेबल मटेरियल भी यहां पर आएगा ओके okay. फिर हमारे पास आते हैं प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री या फिर वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कई सारे नाम ऐसे आने वाले हैं जो आपको ऊपर भी मिलेंगे लेकिन दोनों अलग होते हैं जैसे कंज्यूमेबल स्टोर तो कंज्यूमेबल मेटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा था कंज्यूमेबल स्टोर्स फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनता है अगर आपका डेप्रीशिएशन लग रहा है प्लांट मशीनरी फैक्ट्री की बिल्डिंग पर आप लीज रेंट दे रहे हो प्रोडक्शन एसेट्स पर जो भी एसेट है वो रेंट दे रहे हो आप उनका रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो प्लांट मशीनरी की इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा ड्रॉइंग और डिजाइन डिपार्टमेंट यहां पर डिपार्टमेंट है इस चीज के लिए तो डिजाइन या ड्रॉइंग बनवाया है आपने किससे डायरेक्ट एक्सपेंस लेकिन डिजाइन या ड्रॉइंग का डिपार्टमेंट है आपका पूरा तो वो पूरा डिपार्टमेंट वो फैक्ट्री ओवर के अंदर आएगा ओके okay. इंश्योरेंस आप करवाते हो प्लांट मशीनरी का बिल्डिंग का इसके अलावा अगर आप डब्ल्यू का इंश्योरेंस करवाते हो और इवन रॉ मेटेरियल के स्टॉक का भी इंश्योरेंस करवाते हो तो वो आपके पास यहां पर आएगा तो इसमें बच्चा गलती कर सकता है बच्चा ये सोच सकता है मैं स्टार लगा देता हूं जिस जिसमें बच्चा भूल सकता है तो आपके पास कंज्यूमेबल मेटेरियल आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में और कंज्यूमेबल स्टोर्स यहां पर आएगा बाकी डेप्रीशियन लग रहा है ठीक है प्लांट okay. है, 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 है। मशीनरी मान लेगा बिल्डिंग मान लेगा लेकिन बच्चा गलती कर सकता है वो कहेगा रॉ मेटेरियल स्टॉक का इंश्योरेंस रॉ मेटेरियल स्टॉक का इंश्योरेंस तो सर रॉ मेटेरियल में जुड़ना चाहिए तो ध्यान रखना है इंश्योरेंस रॉ मेटेरियल का हो या डब्ल्यू का हो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनता है यहां पे गलती हो सकती है अगर आप हेड गलत कर देंगे तो एग्जाम में आपके नंबर कटेंगे तो ये चीज ध्यान रखने वाली है तो मैं उस स्टार लगा रहा हूं जिन पॉइंट के अंदर आपसे मिस्टेक हो सकती है इसके बाद में हमारे पास जिग फिक्चर्स टूल इनका अमोर्टाइजेशन कॉस्ट यहां पर आएगी जिग फिक्चर्स टूल फैक्ट्री ओवर में और मोल्ड पैटर्न पेटेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मोल्ड पैटर्न पेटेंट डायरेक्ट एक्सपेंस में और जिग फिक्चर्स टूलिंग यहां पर आ जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट जैसे कि टूल रूम इंजीनियरिंग मेंटेनेंस पॉल्यूशन कंट्रोल ये सारे के सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं तो यहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल आजकल एग्जामिनर बहुत पूछ रहा है ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट कौन से थे हमने पढ़ा था ओवरहेड में दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं एक प्रोडक्शन और एक सर्विस P1 P2 S1 S2 तो सपोर्ट डिपार्टमेंट जो था S1 S2 उसमें टूल रूम इंजीनियरिंग वगैरह ये सारे आते थे वो सपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा कहां पर जाता था P1 P2 पे चार्ज हो जाता था वो ओवरहेड का हिस्सा है तो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट जो भी आपके पास एस वन एस टू एस थ्री यहां में लिख भी देता हूं एस वन एस टू

रॉ प्लस ओपनिंग क्लोज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कैरी को जोड़ दीजिए कोई अगर रिकवरी आई है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल से तो माइनस कर दीजिए अलाउंस बोनस सारी चीज जोड़ दीजिए और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहां पर एड कर दिया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में पावर फ्यूल आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में हायर चार्ज आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में जॉब चार्ज आएंगे मोल्ड पैटर्न मोल्ड पैटर्न्स पेटेंट आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे कोई स्पेसिफिक ड्राइंग या या डिजाइन सॉफ्टवेयर है तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा ये प्राइम कॉस्ट हो गई फिर फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड ओवरहेड के अंदर पहले जो सिमिलर चीजें थी कंज्यूमेबल मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा है कंज्यूमेबल स्टोर फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है अगर आपने ड्रॉइंग और डिजाइन डिपार्टमेंट के खर्चे की बात करनी है तो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है जिग फिक्चर्स आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे इनका मोटोटाइजेशन आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे इंश्योरेंस डब्ल्यू का हो या रॉ मेटेरियल स्टॉक का हो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा मेटेरियल का कैरेज अगर रिटर्न के लिए दिया गया तो रिटर्न के टाइम पर कैरेज जो भी लगेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस लीज रेंट डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एंप्लॉय कॉस्ट ये सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आती ही है ओके इसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट उसमें ओपनिंग क्लोजिंग डब्लू आई पी लगाते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट लगाने के बाद में हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा और पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट यहां पर आ जाएगी तो हमारे पास इसके बाद चार खर्चे हैं क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्राइमरी पैकिंग इन चारों खर्चों को जोड़ दिया जाता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन अगर कोई भी रिकवरी हुई है बाई प्रोडक्ट बेचकर ज्वाइंट प्रोडक्ट बेचकर जिसका कि आप बाई प्रोडक्ट बेचकर सॉरी ज्वाइंट नहीं और आपका कोई स्क्रैप बिकाए और कोई रिकवरी है तो माइनस कर दी जाएगी दोनों में फर्क क्या है यहां पर भी स्क्रैप है और यहां पर भी स्क्रैप है दोनों में फर्क यह है कि अगर लिखा होगा एग्जाम में स्क्रैप ऑफ रॉ मेटेरियल रॉ मेटेरियल का स्क्रैप तो रॉ मेटेरियल में से माइनस होगा सिर्फ स्क्रैप लिखा होगा या स्क्रैप ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग या कुछ और रॉ मेटेरियल शब्द इस्तेमाल नहीं होगा तो माइनस किया जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट में से फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चार खर्चे कौन से थे क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूट करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और हमें ना बताया जाए कि हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को किस तरह से वैल्यूएशन में लेकर जाएं तो स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से फीफो प्रीफर्ड है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना बताए तो फीफो मेथड प्रीफर्ड रहेगा अदरवाइज क्वेश्चन आपको बता देगा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इसका मतलब भी फीफो मेथड ही होता है अगर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यूट करेंगे तो इसका मतलब होता है जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमने बेच दिया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया होगा तो ये भी फीफो मेथड को ही इंडिकेट करता है तो ये लाइन एग्जाम में बहुत बार लिखी आती है बच्चे समझ नहीं पाते कि ये फीफो मेथड है इसके बाद में हमारे पास सीओजीएस आ गया अब एडमिन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है एडमिन ओवरहेड के अंदर ऑफिस के जितने भी ऑफिस की एसेट्स का ऑफिस की प्लांट मशीनरी बिल्डिंग का फर्नीचर का डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस ये सब आ जाएगा इसके अलावा जितने भी लीगल काम होते हैं उनकी सैलरी जैसे हमने लॉयर रखे हुए हैं अपने यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे आई और हिंदुस्तान अन तो ये सारी की सारी कंपनियां अपने पास एक लॉयर्स की टीम रखती है क्योंकि इन इनपे केस वगैरह होते रहते हैं तो जितने भी लीगल मैटर सिर्फ मिटाए जाते हैं वो एडमिन में आएंगे और आपके पास में जितने भी डायरेक्टर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो भी आपके बिजनेस की प्लानिंग करने वाले मैनेजर्स हैं वो सब यही बैठे होते हैं तो एडमिन के अंदर उन सब का खर्चा आ जाएगा तो हमारे पास डेप्रीशिएशन किस चीज का डेप्रीशिएशन ऑफिस की बिल्डिंग ऑफिस का फर्नीचर ऑफिस की प्लांट एंड मशीनरी उस सब का डेप्रीशिएशन जैसे ऑफिस में लैपटॉप है तो उसका डेप्रीशिएशन आ जाएगा सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की अकाउंटेंट की डायरेक्टर्स की सेक्रेटरीज की सवालेगा रेंट वगैरह सब ऑफिस की बिल्डिंग का प्लांट ऑफिस की प्लांट मशीनरी जो भी ऑफिस का सामान है उसका रेंट उसका डेप्रीशिएशन उसका इंश्योरेंस सब यहां पर आएगा इसके अलावा ऑफिस में जो भी मटेरियल यूज होगा जैसे कि प्रिंटिंग के लिए स्टेशनरी के लिए ऑफिस में और कोई सप्लाई आएगी तो ऑफिस में प्रिंट आउट निकलते रहते हैं कई सारे बच्चे जो आर्टिकल शिप कर रहे होंगे या उनका कोई भाई वगैरह आर्टिकल शिप कर रहा होगा उन्होंने बूस्टर बैच के नोट्स अपने सीए के ऑफिस से निकलवाए होंगे बच्चे क्या करते हैं जो भी प्रिंट आउट या कुछ चाहिए होता है तो बड़े भाई को या खुद ऑफिस में जाते हैं तो सीए के ऑफिस में जाते हैं जब देखते हैं सीए साहब नहीं है खटे सेंटर मारा प्रिंट आउट बूस्टर का निकाला अपना भी ले जाते हैं अपने दोस्तों का भी ले जाते हैं कि मैं तेरा भी कर लाऊंगा और इसमें खासकर लड़के लड़कियों की मदद करने की बहुत कोशिश करते हैं तो मैं इस मामले में कहूंगा कि लड़के एक अच्छा काम करते हैं कि वो लड़कियों की इस मामले में बहुत हेल्प करते हैं और मैं समझ सकता हूं कि क्यों करते हैं खैर आगे हम बढ़ते हैं तो प्रिंटिंग मटेरियल स्टेशनरी वगैरह ऑफिस सप्लाई वगैरह वो सब यहां पर आ जाएगी इसके अलावा लीगल चार्ज है ऑडिट की फीस है कॉर्पोरेट ऑफिस के एक्सपेंस हैं जैसे कि डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस डायरेक्टर्स का रेम्यूनेशन डायरेक्टर्स का कमीशन डायरेक्टर्स की मीटिंग एक्सपेंस वो सब एडमिन के अंदर आ जाएगा तो एडमिन सिंपल है कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा है ओके okay. सेलिंग ओवरहेड है मार्केटिंग के ऊपर किया जाने वाला खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है प्रोडक्ट को आप पूरे इंडिया में जैसे फैक्ट्री से बनेगा तो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी आपके खर्चे आएंगे वो यहां पर आ जाएंगे तो सेलिंग के अंदर जो देखिए सैलरी एंड वे रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज रेंट डेप्रिशिएशन किस चीज का रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल मार्केट रिसर्च एक्सपेंसिज फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन तो अगर एग्जीबिशन में आप गए हैं तो एग्जीबिशन का जो खर्चा है वो सेलिंग है ऑनलाइन सेल के लिए वेबसाइट मेंटेन करना मार्केट का रिसर्च करना इसके अलावा सेल डिपार्टमेंट के और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टाफ है उसका खर्चा यहां पर कवर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मान लीजिए आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा है कैरिज आउटवर्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैरिज आउटवर्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स हैं डेप्रिशिएशन हायर चार्ज मेंटेनेंस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स और पैकिंग कॉस्ट आ जाएगी सेकेंडरी प्राइमरी कॉस्ट कहां पर आई थी आपके फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहां पर आपकी सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट आ जाएगी इसमें एक चीज और वेयर हाउस वेयर हाउस भी वेयर हाउस रेंट रेंट एटसेट्रा वो भी यहां पर आएगा। हाउस का मतलब होता है जहां पर रखा जाता है। स्टोर का मतलब होता है जहां रखा जाता है। है तो के के खर्चे फैक्ट्री के अंदर आते हैं और आपके जो है, यानी रखा जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कवर होता है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गए पैकिंग जो प्राइमरी है वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगी जो चार आइटम है क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडमिन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और वहां पर एक आ जाती है सॉरी एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक आ जाती है प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी प्रॉफिट जोड़ेंगे और हमारे पास आ जाएगी सेल तो ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो इसमें से कोई आइटम आखिर से आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा अब ध्यान रखने वाली बातें कोई भी एबनॉर्मल खर्चा कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनता जैसे कि आपने कोविड नाइन्टीन में कुछ खर्चे किए तो वह एबनॉर्मल कॉस्ट में चले जाएंगे सडन लॉकडाउन हो गया तो इसका खर्चा एबनॉर्मल लॉस में चला जाएगा ये सब कॉस्टिंग का हिस्सा नहीं बनेगा अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट मिलती है तो ये आपकी कॉस्ट में से माइनस कर दी जाएगी तो जैसे सब्सिडी मिली है मटेरियल के ऊपर तो माइनस कर दो कोई भी पेनल्टी फाइन डैमेज डिमर्ट ये सब एबनॉर्मल माने जाते हैं तो ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे इंटरेस्ट कैश डिस्काउंट और कोई फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती इनकम टैक्स डोनेशन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते बैड डेट कोस्ट का हिस्सा नहीं बनता तो हमारे पास अगर कोई एबनॉर्मल खर्चा है हमारे पास कोई भी पेनल्टी फाइन डैमेज डिमर्ट है कोई भी इंटरेस्ट कैश डिस्काउंट अदर फाइनेंस कॉस्ट है इनकम टैक्स या डोनेशन है या बैड डेट है ये सब कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे हाँ सब्सिडी या ग्रांट है तो वो हमारी कॉस्ट में से माइनस कर दी जाएगी ओके इसके बाद हमारे पास है अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल जाने वाला है चैप्टर यहां तक अगर अब किसी का कोई डाउट है तो वो डाउट बता दीजिए उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बहुत सिंपल है आज की क्लास भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है आज के बहुत ही लड्डू गोपाल से चैप्टर है जी किसी भी बच्चे का कोई डाउट है मन में कोई बात है तो बता सकता है फिर हम क्वेश्चन करेंगे बच्चे कह रहे हैं किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है जीवन में अब डाउट रहे ही नहीं है जब से हम लोग बूस्टर लगा रहे हैं तब से सर कॉस्टिंग के डाउट ही चले गए हैं एक दो बच्चों ने वो भी डाला था कि समझ में नहीं आ रहा है कि कॉस्टिंग इतनी आसान लग रही है या ये आसान थी आज तक पता नहीं चली थी ये बात ठीक है जी तो हमारे पास सुपरवाइजर की सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी बच्चा पूछ रहा है ठीक है जी आ जाइए अब हम लोग चलते हैं जी, बार जी जी हो गई जी हो गई जी देखिए बीबी क्यू थर्टी थ्री थर्टी टू तक हम कर चुके हैं मेटेरियल लेबर ओवरहेड में अब थर्टी थ्री थर्टी थर्ड क्वेश्चन है हमारा आराम से क्वेश्चन देखना क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल आप लोगों को देखकर ये सोचना है इसमें कि ये वाला खर्चा कहां जाना चाहिए था देखिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एवेलेबल फ्रॉम एस एन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बुक्स फॉर द मंथ ऑफ एप्रैल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ये एक अप्रैल है ओपनिंग और यह आ गया आपका क्लोजिंग ठीक है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट है क्लोजिंग नहीं पता कोई बात नहीं स्टॉक ऑफ रो मेटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग पता है डब्ल्यू आई पी ओपनिंग क्लोजिंग पता है ठीक है अदर डेटा रो मेटेरियल परचेज कहां पर आएगा डायरेक्ट मटेरियल में इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग रो मटेरियल के स्टॉक को प्लस और माइनस कर देंगे तो परचेज आ गई ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया ठीक है कैरिज इन को डायरेक्ट मटेरियल में एड कर देंगे इसके बाद में हमारे पास ठीक दिस 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 है यहां पर रो मटेरियल कंज्यूम लेना है डायरेक्ट मटेरियल रो मेटेरियल परचेज लिया कैरेज इनवार जोड़ दिया ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए रो मेटेरियल कंज्यूम आ गया ओके इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट वेजिज पेड ये डायरेक्ट वेजिज या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा इसके बाद में रॉयल्टी दी है डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी इस परचेज ऑफ स्पेशल डिजाइन मोल्ड एंड पैटर्न डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे आप पढ़ते हैं क्या लिखा है लिखा है परचेज ऑफ स्पेशल डिजाइन मोल्ड एंड पैटर्न एस्टिमेटेड लाइफ ट्वेल्व प्रोडक्शन साइकिल हम बना के ले के रहे हैं हम बना रहे हैं अप्रैल तो यह बारह साइकिल चलने वाला है हम एक महीने के लिए बना रहे हैं अब एक साइकिल कितने महीने की देखते हैं यहां पर लाइन दिए एज्यूम दैट वन प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीटेड इन वन मंथ तो एक प्रोडक्शन साइकिल एक महीने में पूरी होती है और हमने जो ये जो डिजाइन मोल्ड पैटर्न लिए ये बारह साइकिल चलने वाले हैं तो यानी ये बारह महीने चलने वाले हैं हमें खर्चा एक महीने का चाहिए तो ये जो ये जो खर्चा है हो जाएगा और ये ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा ठीक है पावर फ्यूल एंड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा अब जैसे देखिए बच्चा पावर फ्यूल देखे और उसके आगे लिखा है फैक्ट्री तो वो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर इसके आगे तो फैक्ट्री लिखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए मैं आपको बता देता हूं हमारे मोस्ट ऑफ द खर्चे फैक्ट्री के अंदर ही होते हैं मेटेरियल भी फैक्ट्री में ही कंज्यूम हो रहा है हमारी जो वेजेज हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो सब फैक्ट्री के अंदर ही काम चल रहा है बस हम उसको रिलेट करते हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड है या डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो फैक्ट्री लिखने से फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं बन जाता ओके तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा यहां तक के हमारे पास इसमें ठीक है आ जाइए देखिए डायरेक्ट वेजेज सीधा आ गया उसमें कोई पंगा नहीं था डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी आ गई जो डिजाइन मोल्ड पैटर्न थे वो वन बाई ट्वेल्व करके आ गए पावर फ्यूल एंड हॉलेज आ गई ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई प्राइम कॉस्ट के बाद में हमारे पास है फिर फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारे पास सैलरी एंड वेजिज ऑफ सुपरवाइजर एंड फोरमैन आ गया ठीक है ये फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया इसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यू को एड और लेस कर देंगे हमारे पास यहां पर आ गया फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है जी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में चार आइटम होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और आपके पास प्राइमरी पैकिंग देखते हैं यहां पर क्या क्या है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ठीक है जी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में जुड़ जाएगा इसके बाद में प्राइमरी पैकिंग है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में जुड़ जाएगी एडमिन ओवरहेड लिखा है एडमिन ओवरहेड के आगे यह नहीं लिखा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं अगर नहीं बताया तो हम ये मानेंगे कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो एडम्पन नॉट रिलेटेड की लेनी है या तो क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन कोई ना कोई हिंट देगा एडमिन का रिलेटेड टू प्रोडक्शन है नहीं देगा हिंट तो हम नॉट रिलेटेड मानेंगे ठीक है जी तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्राइमरी पैकिंग आ गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइमरी पैकिंग ये हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच गए ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचने के बाद में हमारे पास यहां पर अब कोई भी खर्चा नहीं बचा ये सारे खर्चे कवर हो गए अब कहानी यहां पर दी गई तो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट एट पॉइंट जीरो पच्चीस मल्टीप्लाई बाई एट पॉइंट जीरो ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी ये ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का ओपनिंग स्टॉक आ गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट का ठीक है अब क्वेश्चन यहां पर बता रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 1, 52, यूनिट्स वर हमने हमने बनाई हैं And 1, 52, यूनिट्स वर सोल्ड। 152, हमने बेच दी। अब जरा देखिए हमारे पास पहले से कितनी यूनिट्स थी ट्वेंटी अब बताइए कितनी यूनिट्स हो गई आपके पास ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और 152। हमारे पास हो गई 1, 54, इसमें से वन फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड आपने बेच दी वन फिफ्टी टू सिक्सिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास सॉरी माइनस सोल्ड आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बड़ा सिंपल है पहले से कितनी थी 2500 बनाई कितनी 152 टोटल यूनिट आ गई आपके पास वन फिफ्टी इसमें से वन फिफ्टी टू सिक्स बेच दी बाकी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गई होंगी 1900 यूनिट्स ओके okay. अब क्वेश्चन कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट द रेलिथ रेलिवेंट मंथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर वैल्यूट करेंगे इसका मतलब फीफो लगा रहे हैं क्वेश्चन ने आगे बोला भी द कंपनी फॉलोज द फीफो मेथड तो अब हमारे पास बड़ा सिंपल है कि आपने कितनी यूनिट बनाई है वन लेख फिफ्टी टू थाउजेंड यूनिट बनाई है उसमें से नाइनटीन हंड्रेड की आपकी बचने वाली है तो आपने वन लैक फिफ्टी टू थाउजेंड यूनिट बनाई हैं ट्वेल्व लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड की जिसमें से नाइनटीन हंड्रेड यूनिट्स आपके पास बचने वाली हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी ट्वेल्व फोर्टी थ्री फोर हंड्रेड वन फिफ्टी टू मल्टीप्लाई बाई नाइनटीन हंड्रेड तो आपके पास आ गया वन फाइव फाइव फोर टू यूनिट्स फोर नाइन uh, आ रहा है तो आप इसको फोर थ्री भी कर सकते हैं कुछ बच्चे इसको थ्री भी कर सकते हैं टू कर लिया कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ सोल्ड आ गया अब इसमें कॉस्ट ऑफ सोल्ड में सिंपली एडमिन का जो खर्चा था नॉट रिलेटेड वाला इसे जोड़ लीजिए और एक लाइन यहां पर दिए सेलिंग ओवरहेड के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिज आर टू बी चार्ज एट ट्वेंटी पैसा पर यूनिट तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 20 पैसा पर यूनिट है किस पर चार्ज होंगे जो यूनिट्स बेची गई हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर तो आपने यूनिट बेची कितनी थी वन फिफ्टी टू सिक्स जितनी यूनिट बेची है हर यूनिट पे 20 पैसा वन मल्टीप्लाई पॉइंट टू थर्टी थाउजेंड फाइव ट्वेंटी आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया तो क्वेश्चन ने कहा पहली रिक्वायरमेंट कोशीट बनाओ अप्रैल के लिए जिसमें टेरियल प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए ठीक है जी तो यहां पर एडमिन सेलिंग जोड़े कॉस्ट ऑफ सेल तक आ गया यहीं तक मांगा है पहले इसके बाद में दूसरा कह रहे हैं कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ प्रॉफिट इज चार्ज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल अगर सेल पर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट है तो आपके पास सेल प्राइस क्या होगा तो सबसे पहले तो ये बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है कॉस्ट ऑफ सेल आई है थर्टीन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी एट कितनी यूनिट आपने बेची थी वन लेख फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो एक यूनिट की कॉस्ट बताओ पहले थर्टीन ट्वेंटी फाइव टू सिक्स एट वन फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड एक यूनिट की कॉस्ट आ गई एट पॉइंट सिक्स एट फोर फाइव एट तो फोर सिक्स चार डेसिमल तक लिया आप दो डेसिमल तक ले सकते हैं ये कॉस्ट पर यूनिट है पर यूनिट कॉस्ट ओके अब सेल पर 20 परसेंट प्रॉफिट है इसका मतलब कॉस्ट 80 परसेंट होगी सेल का 20 परसेंट प्रॉफिट तो कॉस्ट 80 परसेंट अब सिंपली क्या करेंगे 8.6846 80 परसेंट है सेल का तो सेल कितनी होगी 8.6846 डिवाइड बाय पॉइंट ये आपके पास आ गया टेन रुपीज एटी सिक्स पैसा पर यूनिट आपका सेल प्राइस निकल कर आ गया टेन पॉइंट एट सिक्स काम खत्म बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान दस नंबर का क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन ओके okay. इसके बाद में हमारे पास है बीबीक्यू थर्टी फोर बीबीक्यू थर्टी फोर के अंदर क्या करते हैं ये इसके अंदर ये रॉ मटेरियल आपने कितना परचेज किया है वो इंफॉर्मेशन गायब कर देते हैं तो पहले हमें उल्टी क्वेश्ची बनानी पड़ती है फिर सीधी क्वेश्ची सर इसका क्या मतलब है बताता हूं मैं आपको देखिए द बुक्स ऑफ अदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 23 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 17500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को बोलते हैं तो लेबर कॉस्ट 17500 है जो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है तो बताइए फैक्ट्री ओवरहेड कितने आ जाएंगे 175% को सामने ले जाकर डिवाइड कर देंगे हम 17500 डिवाइड बाई वन सेवेंटी फाइव परसेंट टेन थाउजेंड इसका मतलब ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कब एक्सक्लूडिंग होते हैं जब वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन ना हो क्योंकि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन सीओजीएस के बाद में जोड़ा जाता है ठीक है तो क्वेश्चन ने कहा सीओ जी एस एक्सक्लूडिंग एडमिन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड है ओके okay. अब कह रहे हैं रॉ मेटेरियल का स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया डब्ल्यू आई पी का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया इसके बाद में अदर डेटा में सेलिंग एक्सपेंस दे दिए एडमिन एक्सपेंस दे दिए उसके आगे लिख भी दिए जनरल जनरल एडमिन यानी नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन सेल भी दे दी अब मुझे ये बताइए क्वेश्चन के अंदर लेबर है फैक्ट्री ओवरहेड है आपके पास सेलिंग एक्सपेंस है जनरल लैंड एडमिन एक्सपेंस है सेल भी दी हुई है आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर रॉ मेटेरियल की परचेज नहीं दी हुई क्वेश्चन के अंदर रॉ मेटेरियल की परचेज गायब है अब क्वेश्चन पहली रिक्वायरमेंट मांगता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रॉ मेटेरियल परचेज तो पहले आप बताइए सीधी कॉशीट कैसे बनेगी अगर मैं बात करूं तो सीधी कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे रॉ मेटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग मेटेरियल माइनस क्लोजिंग मेटेरियल स्टॉक मेटेरियल कंज्यूम्ड आ गया

क्वेश्चन नहीं ये फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आपको पहले ही दे दिया कि भाई फिफ्टी सिक्स थाउजेंड हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड है ठीक है और मेटेरियल गायब है तो हम सीधे तो तब पहुंचते ना जब हमारे पास मेटेरियल होता अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें मेटेरियल यहां पर गायब है ये हमें नहीं मालूम अब हमें उल्टे चलना पड़ेगा उल्टे कैसे चलेंगे सीओ जी एस को लीजिए क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एड करिए ओपनिंग को माइनस करिए फिर आपके पास में जो क्लोजिंग डब्ल्यू है उसे एड करिए ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को माइनस करिए फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करिए इसके बाद में वेजिज को माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ दीजिए रॉ मेटेरियल के और ओपनिंग को माइनस करिए तब आपके पास आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड तो पहले हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने मांगा है मेटेरियल परचेज बनाओ तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ मेटेरियल परचेज हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक अब जोड़ दिया ओपनिंग माइनस कर दिया फैक्ट्री कॉस्ट पर आ गए क्लोजिंग जोड़ दिया ओपनिंग माइनस कर दिया ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट पर आ गए फैक्ट्री को ओवरहेड माइनस कर दिया डायरेक्ट वेजिज माइनस कर दिया आप लोग को आवाज आ रही है पीछे से बैकग्राउंड में कुछ यहाँ क्लियर है आवाज बता दीजिएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजिज आपने माइनस कर दिए ओपनिंग डब्ल्यू आईपी को माइनस और क्लोजिंग को ऐड कर दिया और आपके पास रॉ मटेरियल परचेज आ गया एक मिनट बस में वन मिनट मेरे को टाइम दीजिएगा <laughs> हाँ जी तो सिंपल है बिल्कुल सीओ जी एस से शुरू करिए और आपके पास क्लोजिंग को जोड़िए ओपनिंग को माइनस करिए रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए आप लोग यहां पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो वो मेटेरियल परचेज आ गया इसके बाद में फिर आपको सीधी कॉर्स बनानी तो सीधी कोर्सशीट में कुछ नहीं है जैसे ही आपके पास मेटेरियल परचेज आ गया उसके बाद में आपके पास मेटेरियल परचेज आते के साथ फिर सीधी कॉर्टशीट बनकर आपके पास सेल तक पहुंच जाएगी तो पहले आपको रिवर्स स्टेटमेंट रिवर्स क्वेश्चन का कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी बच्चे कई बार पूछते हैं सर के स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा बच्चों क्वेश्चन दस नंबर में देता है इसके ही। तो नंबर में देता है एक मेटेरियल तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करिए बहुत आसान है सिंपल ठीक है इसके बाद में अब हम जाने वाले हैं बीबी -बी क्यू थर्टी फाइव पर और बीबी क्यू थर्टी फाइव के लिए मैं आप सभी लोगों को अपने साथ लेना चाहूंगा लाइव चैट मैंने ऑन कर दिए अब आप सभी लोग मेरे साथ चलेंगे यह क्वेश्चन ऐसा है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ना सारे आइटम डाल दिए हैं स्टडी मैट का क्वेश्चन है तीस आइटम है इसके अंदर तो यहां पर हमारे पास तीस आइटम है अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया इतना बड़ा क्वेश्चन है अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब हम कोष शीट पे विजय पाने वाले हैं बीबी क्यू आप सभी लोग हमारे साथ हैं ठीक है ठीक है? है अब जरा देखिएगा बीबीक्यू थर्टी फाइव ठीक है अब आप लोग को साथ में चल के बताना है क्या चीज कहां पर आएगा अर्णव इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री रॉ मेटेरियल परचेज जो देखो बिल्कुल लड्डू है वो तो मैं लिखते जा रहा हूं साथ में तो हमारे पास रॉ मेटेरियल परचेज डायरेक्ट मेटेरियल में आएगा जीएसटी पेड है इस परचेज पर 18 परसेंट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इस पर एलिजिबल है तो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा ठीक है फ्रेट इन वर्ड मेटेरियल में जोड़ देंगे ठीक है वेजिज पेड करी है फैक्ट्री वर्कर को तो डायरेक्ट वेजिज हो गई कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टुवार्स एम्प्लॉइज पी एफ ई एसआई जितना एम्प्लॉज का होता है उतना ही एम्प्लॉयर का होता है तो एम्प्लॉयर वाला डायरेक्ट वेजेज में ही एड हो जाएगा प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स बोनस बताइए बोनस भी डायरेक्ट वेजेज में जोड़ देंगे रो, अब मुझे बताइए रॉयल्टी पावर एंड फ्यूल मोल्ड एंड पैटर्न जॉब चार्ज कहां पर आएंगे मुझे बताइए रॉयल्टी पावर एंड फ्यूल मोल्ड एंड पैटर्न और जॉब चार्ज कहां पर आने वाला है बिल्कुल सही जवाब डायरेक्ट एक्शन से आ गए सारे के सारे ठीक है अच्छा मोल्ड एंड पैटर्न के लिए 896 की अमाउंट दी है इसकी लाइफ दो साल है हम ये एक साल का बना रहे हैं तो बताइए इसको वन बाई टू कर देंगे दो साल का है तो वन बाई टू कर देंगे ओके इसके बाद में बताइए स्टोर एंड स्पेयर्स डेप्रिशिएशन फैक्ट्री की बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी का सुपरवाइजर को दिया जाने वाला पैसा रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीन की इंश्योरेंस प्रीमियम प्लांट एंड मशीन का फैक्ट्री की बिल्डिंग का और इंश्योरेंस रॉ मटेरियल और डब्ल्यू का ये सारे खर्चे कहां पर जाने वाले हैं बताइए स्टोर एंड स्पेयर फैक्ट्री बिल्डिंग का डैप इसके बाद में आपका प्लांट एंड मशीनरी का डेप सुपरवाइजर को सैलरी रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस प्लांट मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग रॉ मेटेरियल का ये सब कहा चले जाएंगे फैक्ट्री ओवर हेड में चले गए भाई बहुत बढ़िया आप समझ रहे हैं अब कितना सिंपल लग रहा है क्योंकि हमें स्टेटमेंट दिमाग में अब हमारे सेट हो चुका है और जिन पॉइंटों में हम फंस सकते थे जिन पॉइंटों में हम फंस सकते हैं मैंने यहां पर उनके ऊपर बताइए वो सारे पॉइंट क्लब करके क्या बना दिया है स्टार बना दिया है कि इनमें फंसना नहीं है वो सारे के सारे पॉइंट हमारे पास हैं ओके अब मुझे बताइए दिया हुआ है डेप्रीशिएशन ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन ऑफिस की बिल्डिंग का व्हीकल्स डायरेक्टर्स ने यूज किए हैं डायरेक्टर जा रहे हैं मर्सडीज में बैठ के आराम से बताइए ये कहां पर चला जाएगा एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन इसके बाद में डायरेक्टर्स के व्हीकल एडमिन ओवरहेड ओके डिलीवरी डिलीवरी व्हीकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे और सेल ऑफिस का खर्चा सेलिंग ओवरहेड में आएगा आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ ले सकते हैं वो अलाउड होता है ओके okay. इसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल के लिए खर्चा हुआ है सैलरी दी है क्वालिटी कंट्रोल के स्टाफ को तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस जो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए पैसे दिए बताइए पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टूल डिपार्टमेंट ये सारे कहां पर आते हैं ये सब एस वन एस टू है एस वन एस टू एस थ्री तो पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस टूल डिपार्टमेंट सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा ओके okay. इसके बाद में एक्सपेंसिज पेड करें हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क तो ये है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आ जाएगा ओके okay. इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे है, हैं सैलरी दी है हमने कुछ मैनेजर्स को एक प्रोडक्शन कंट्रोल का मैनेजर है एक फाइनेंस का मैनेजर है और एक सेल का मैनेजर है सेल का मैनेजर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फाइनेंस का मैनेजर एडमिन ओवर हेड नोट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के लिए जो मैनेजर है वो एडमिन ओवरहेड है लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओके इसके बाद में हमारे पास जनरल मैनेजर को सैलरी दी है एडमिन ओवरहेड लेटेड टू प्रोडक्शन जनरल ओवरहेड में फिर पैकिंग कॉस्ट आइए प्राइमरी पैकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन की पैकिंग री डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेकेंडरी प्राइमरी पैकिंग कहां आएगी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और री डिस्ट्रीब्यूशन वाली कहां आएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर ओके okay. फिर हमारे पास दी है वेजिज दी है उन एम्प्लॉयज को जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ ले सकते हैं ऑडिटर को पैसे दिए हैं लीगल एडवाइजर को पैसे दिए हैं डायरेक्टर्स को पैसे दिए हैं ये बताइए ये ऑडिटर लीगल इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सब एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओके इसके बाद में सेल स्टाफ को बोनस दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको दिए गए हैं क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में छुपा कर देखिए कोने में यहां पे नीचे लाइन दिख दी जिससे बच्चा इसको देखना भूल जाए अमाउंट रियलाइज बाई सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एटी सिक्स थाउजेंड तो फैक्ट्री कॉस्ट में से लेस हो जाएगी स्क्रैप है तो फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा बस ये पूरा का पूरा क्वेश्चनशीट हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर सारे पॉइंट्स आ जाते हैं आप लोग इसको राइटिंग में अभी क्लास के बाद करते ही हैं तो आपको मजा आ जाएगा ठीक है इसके बाद हमारे पास है बीबी -बी क्यू थर्टी सिक्स बीबी -बी क्यू थर्टी सेवन और बीबी -बी क्यू थर्टी एट थर्टी नाइन चार छोटे छोटे से क्वेश्चन है और हमारा काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का तो बहुत सिंपल चैप्टर है आ जाइए पढ़ते हैं बीबी -बी क्यू थर्टी सिक्स एक बच्चा कह रहा है प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर फैक्ट्री ओवर जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है फैक्ट्री का मैनेजर होता है फैक्ट्री ओवरहेड और जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर है लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है ओके okay. अब हमारे पास आ जाते हैं बीबी क्यू थर्टी सिक्स पर डी एफ जी लिमिटेड मैन्यूफेक्चर लेदर बैग हम लोग करते हैं चैट बंद ये हमारे पास चैट बंद आ जाइए बीबी क्यू थर्टी सिक्स डीएफ जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर लेदर बैग फॉर ऑफिस एंड स्कूल परपज ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आर टीपी में भी आ चुका है स्टडी मेड्यूल के अंदर भी है और एम टी पी में भी है तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन ही वैसे अच्छे हैं डी एफ जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर लेदर बैग फॉर ऑफिस एंड स्कूल परपज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी टू पॉइंट नंबर वन लेदर शीट एंड कॉटन क्लॉथ हम लेदर के बैग बना रहे हैं ऑफिस और स्कूल पर पंच के लिए ठीक है पॉइंट नंबर वन लेदर शीट एंड कॉटन क्लॉथ आर द मेन इनपुट तो लेदर की शीट और कॉटन के क्लॉथ मेन इनपुट यानी रॉ मेटेरियल है एंड द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग एज टू मीटर ऑफ लेदर शीट वन मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ तो हमें दो मीटर लेदर और वन मीटर कॉटन uh, क्लॉथ चाहिए होती है एक बैग बनाने के लिए 2000 मीटर लेदर शीट और 1000 मीटर कॉटन क्लॉथ आपने खरीदा है बताइए दो मीटर लेदर चाहिए एक बैग बनाने के लिए तो 2000 मीटर लेदर से कितने बैग बनेंगे इसका मतलब आप 1000 बैग बनाने वाले हैं तो इस क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि हम बैग कितने बना रहे हैं तो यहां से पता चलता है क्वेश्चन ने कहा था कि 2 मीटर लेदर चाहिए तो इन्होंने 2000 मीटर लिया है तो 1000 बैग बनेंगे मीटर कॉटन चाहिए इन्होंने मीटर कॉटन खरीदा है तो वन था बनाने वाले है। 3, 20, 15, ठीक है ये इनका परचेज प्राइस हो गया रॉ परचेज आ गया आपके पास फ्रेट पेड ऑन परचेज एटी फाइव हंड्रेड एटी फाइव हंड्रेड फ्रेट इनवर्ड हो गया तो डायरेक्ट मटेरियल लेदर शीट कॉटन क्लॉथ तीन लाख बीस हजार पंद्रह हजार और फ्रेट यहां पर इसमें हमने ऐड कर दिया ठीक है थी। फ्रेट हो गया इसके बाद कह रहे हैं स्टिचिंग का जो काम है और फिनिशिंग का काम है उसमें टू थाउजेंड मैनर्स लगेंगे तो मैन यानी लेबर लगेगी जिसको हम अस्सी रुपए पर घंटा देते हैं तो जो लेबर खुद अपने हाथों से काम कर रही है वो डायरेक्ट वेजिज तो डायरेक्ट वेजिज में आपके पास वन लेख सिक्सटी थाउजेंड की डायरेक्ट वेजिज आ गई कह रहे हैं अदर डायरेक्ट कॉस्ट टेन रुपीज पर लेबर आ रहे हैं तो जो डायरेक्ट कॉस्ट बची है यानी डायरेक्ट एक्सपेंस वो दस पर आ रहे तो टू थाउजेंड मैन से दस रुपए टोटल कॉस्ट ट्वेंटी टू लैख मशीन हैज लाइफ ऑफ टेन इस तो भैया ये हो गया टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी टू लैख डिवाइड बाई टेन स्क्रैप वैल्यू है टेन परसेंट ऑफ तो हमारे पास ट्वेंटी टू लैक की मशीन स्क्रैप वैल्यू है टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड लाइफ है दस साल टेन ईयर्स हम लोग जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं मंथ ऑफ सेप्टेंबर हमें सिर्फ एक महीने का चाहिए तो इससे दस साल का डेप दस से डिवाइड करेंगे तो एक साल का डेप आ जाएगा उसे वन बाई ट्वेल्व करेंगे तो एक महीने का डेप निकल आएगा ट्वेंटी टू लैख माइनस टू ट्वेंटी डिवाइड बाई दस साल बारह डेप आ गया ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा ओके ऐसे पॉइंट्स में दिया हुआ है एक एक चीज द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल ऑफिस फोर्टी फाइव एंड सेवेंटी टू थाउजेंड चलो जी एडमिन और सेल का भी खर्चा आ गया क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा अगर साइलेंट रहेगा कोई हिंट नहीं देगा तो एडमिन को नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हैं डीएफ जी पेज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ एज रेंट फॉर ट्वेंटी फोर हंड्रेड स्क्वायर फीट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस एडमिन एंड सेल ऑफिस ऑक्यूपाई टू फोर्टी एंड टू हंड्रेड स्क्वायर फीट रेस्पेक्टिवली ऑफ फैक्ट्री स्पेस तो हमारे पास ये फैक्ट्री है ट्वेंटी फोर हंड्रेड स्क्वायर फीट की ठीक है जी इसका रेंट जा रहा है जी आपका वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ जिसमें आपका एडमिन और सेल ऑफिस भी है तो ये पूरे प्रीमाइसिस में एक बिल्डिंग एडमिन की है और यहीं पर एक बिल्डिंग सेल्स वालों की है ये 240 स्क्वायर स्कवायर फिट में है और ये 200 स्क्वायर फिट में है ठीक है ना अब उसके अलावा का जो पूरा हिस्सा है वो फैक्ट्री के काम में आएगा तो बताइए वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड का रेंट है ट्वेंटी फोर हंड्रेड स्क्वायर फिट का तो टू फोर्टी स्क्वायर फिट का कितना होगा वन ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई टू फोर्टी बारह हजार रुपए तो बारह हजार रुपए तो ये भुगतेगा रेंट एडमिन अच्छा टू हंड्रेड कितना होगा टेन थाउजेंड दस हजार का रेंट ये भुगतेगा और एक लाख हजार में से बारह हजार का रेंट एडमिन देगा दस हजार का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देंगे एक लाख बीस हजार माइनस बारह हजार माइनस दस हजार बाकी का नाइनटी एट थाउजेंड फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा तो एक लाख बीस हजार रुपए के रेंट में नाइनटी एट थाउजेंड फैक्ट्री का बाकी ट्वेल्व थाउजेंड एडमिन और टेन थाउजेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का आ जाएगा ये यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं पहले। तो हमारे पास एक तो मशीनों का डेप निकाल लिया हमने 16, एक ये हमारे पास रेंट आ गया बारह सेलिंग का रेंट दस हजार रुपये ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एटीन थाउजेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी एटीन थाउजेंड अब क्वेश्चन यहां पर कह रहा है देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल देयर इज हंड्रेड बैग्स इन स्टॉक एट द द एंड ऑफ मंथ तो हमने एक हजार बैग बनाए हैं उसमें से सो बैग हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएंगे नाइन हंड्रेड बैग्स को हम सेल कर देंगे ओके अब यहां पर आता है पॉइंट नंबर सेवन ध्यान से देखिएगा ड्यूरिंग द मंथ थर्टी फाइव किलोग्राम ऑफ लेदर एंड कॉटन आर सोल्ड एट वन फिफ्टी पर बैग पर के जी तो हमने कुछ स्क्रैप बेचा है कितना स्क्रैप 35 किलो लेदर और कॉटन का स्क्रैप बिकाए एक रुपए में 35 फाइव के जी एक रुपए का रेट 5250 ये स्क्रैप की सेल वैल्यू है अब बच्चे क्या करते हैं बड़ा सिंपल सा है भाई लेदर और कॉटन तो रॉ मेटेरियल है इसका मतलब स्क्रैप ऑफ रॉ मेटेरियल हुआ है तो ये रॉ मटेरियल के खर्चे में से माइनस होना चाहिए इसके अंदर आईसीआई ने बड़ी ही चालाकी से एक छोटी सी बात लिखी जिसकी वजह से ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं रह और वो छोटी सी बात क्या लिखी जरा वो देखिए वो छोटी सी बात लिखी कटिंग्स होता क्या है जब आप बैग बना रहे हैं बैग को स्टिच कर रहे हैं तो फैक्ट्री के अंदर तो लेदर इस तरह से लेदर की लंबी लंबी शीट आई होंगी ऐसे लंबी लंबी शीट है अब उसमें क्या करते हैं बैग के लिए जितना चाहिए होता है जैसे बैग के लिए ऐसे डिजाइन इन्होंने बनाया के जी हम ऐसे निकालेंगे ऐसे ऐसे लेदर शीट की कटिंग होगी ठीक है तो बैग इसमें से हमारे निकलते चले जाएंगे और बताइए ये वाला जो हिस्सा है इसके इधर इधर ये सब हिस्सा ये जितना भी हिस्सा है ये सारा तो बैग की शेप में जो जो हमें चाहिए निकल जाएगा जैसे कपड़ा होता है तो कपड़े की कटिंग नहीं करते तो छोटी छोटी कतरने रह जाती हैं कतरने कटिंग इसको बोलते हैं तो जो रेड मैंने मार्क किया है ये है कटिंग्स अब मुझे बताइए ये रॉ मटेरियल की कटिंग है या ये काम फैक्ट्री के अंदर हुआ है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये काम फैक्ट्री के अंदर हुआ है जब हम बैग बना रहे हैं रॉ मटेरियल का स्क्रैप का मतलब होता है कि लेदर की हमारे पास शीट आई ये शीट आई और यही खराब हो गई पूरी शीट पूरी पूरी शीट ही खराब हो गई कुछ नहीं हुआ तो ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप होगा लेकिन बताइए ये शीट चली गई फैक्ट्री में उसमें से हमने लेदर के बैग का जितना शेप चाहिए वो निकाल लिया और बाकी जो कटिंग है उसे नीचे फेंक देते हैं भाई कटिंग 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 कर कर ही ही नीचे नीचे फेंक फेंक दिया दिया फिर एक स्टाफ आके वो सारी उठा के ले जाता है और रद्दी की तरह से बेचेगा तो ये स्क्रैप रॉ मेटेरियल का नहीं है ये फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम का स्क्रैप है तो ये जो कटिंग शब्द है इसने सारा खेल बदल दिया बताइए कटिंग लिखा है तो ये माइनस कहां पर होंगे ये माइनस होंगे आपके

जितनी यूनिट बनी है उससे डिवाइड होते हैं और उसके नीचे वाले सब जितनी यूनिट बेची है, डिवाइड होता है। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं दिखाई जाती पर यूनिट यूनिट पर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक की की ओपनिंग शो नहीं की जाती तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू नहीं दिखाई जाती ओके ये हमारे पास हो गया अच्छा एग्जाम में क्या हमें पर यूनिट का बनाना है अगर एग्जामिनर ने नहीं मांगा तो नहीं बनाना फंक्शनल क्लासिफिकेशन यानी जो क्वेश्चन आप बनाते हैं उसी की बात हो रही है ओके इसके बाद में है हमारे पास बीबी क्यू थर्टी सेवन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और सेमी का गेम रहता है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेटेरियल आठ रुपए लेबर आठ रुपए पर यूनिट है लेकिन लेबर के साथ में कंडीशन है 56,000 पर मंथ से कम नहीं होगी, यानी गारंटीड है 56,000 तो देना ही देना है। तो 56,000 डिवाइड बाई एट, यानी अगर आपने सात हजार यूनिट बनाई, तो 56,000 बन गया। अगर सात हजार से कम बनाओगे, तो 56 से कम आएगा, तो आपको 56 तो कम से कम देने ही देने हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल होता है। जितनी भी यूनिट आप बनाओ मल्टीप्लाई एट करके देख लो कि फिफ्टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ बन रहा है या नहीं बन रहा अगर बन रहा है तो ठीक है अगर कम बन रहा है तो आप फिफ्टी सिक्स दे देंगे दिखाऊंगा मैं अभी किस तरह से चलेगा तो वेरिएबल कॉस्ट में मेटेरियल लेबर आ गए 88 पर यूनिट ओवरहेड आ गया तीन रुपए पर यूनिट फिक्स ओवरहेड वन लेख फोर थाउजेंड पर एनम आ गए अब इसके बाद में सेमी वेरिएबल ओवरहेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड फोर्टी एट थाउजेंड पर एनम है पूरे साल के फोर्टी एट थाउजेंड है एट सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी विच इंक्रीज बाई सिक्स थाउजेंड पर एन एम फोर इंक्रीज ऑफ एवरी टेन परसेंट ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एनी पार्ट देयर ऑफ फॉर फोर ईयर इसका क्या मतलब होता है तो इसके अंदर क्वेश्चन सिंपली कहता है सिक्सटी परसेंट पे फोर्टी एट है ओके जी तो अप अपू सिक्सटी परसेंट है तो आपका खर्चा फोर्टी एट थाउजेंड रहेगा ओके लेकिन अगर आप सिक्सटी पॉइंट जीरो वन परसेंट भी हो गए और कितने तक रहेगा ये हर दस परसेंट तक एवरी टेन परसेंट सत्तर परसेंट तक अगर आप रहेंगे तो फोर्टी एट थाउजेंड में आपके सिक्स थाउजेंड का खर्चा और बढ़ जाएगा ठीक है अब मान लो हम जी सेवेंटी तो और दस परसेंट बढ़ गया आपका तो यहां पर ये फोर्टी एट थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू हो जाएगा तो हर दस परसेंट पे छह छह हजार रुपए बढ़ते चले जाएंगे तो सिक्सटी से ऊपर गए तो फोर्टी uh, एट की जगह फोर्टी एट प्लस सिक्स थाउजेंड अगर सेवेंटी भी क्रॉस कर गए तो सिक्स थाउजेंड और जुड़ जाएंगे अब जरा देखिए अगर आप एटी पॉइंट जीरो से 90 परसेंट पर गए तो फोर्टी एट थाउजेंड प्लस थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री हो जाएगा और अगर आप 90 परसेंट को क्रॉस कर गए तो आपका खर्चा यह हो जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई प्लस सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फोर चार गुना हो जाएगा इस तरह से बढ़ता रहेगा हर दस दस पर तो जो भी लाइन लिखी होगी दस परसेंट पांच परसेंट लाइन जो बताएगा उस हिसाब से स्लैब बनता चला जाएगा ओके द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड सिक्सटी परसेंट फॉर टू मंथ सेवेंटी फाइव परसेंट फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ एंड एटी परसेंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर तो हमारे पास पहले दो महीने सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पे चलेंगे हम फिर अगले छह महीने सेवेंटी फाइव पर एट मंथ हो गए और रिमेनिंग काम करेंगे कोई opening closing stock नहीं है 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 तो तो इसमें क्या किया जाता है? अब जैसे हमारे पास एक तो है दो महीने सेवेंटी फाइव परसेंट छह महीने के लिए फिर है एटी परसेंट रिमेनिंग चार महीने के लिए तो तीन बार तोड़ दिया अलग अलग तो हम इसके तीन कॉलम बना लेंगे पहले दो महीने अगले छह महीने अगले चार महीने और फिर एक कॉलम टोटल का बना देंगे जो पूरे बारह महीने का टोटल बताएगा ठीक है अब इसमें हमें यूनिट्स कैसे निकालनी है जैसे पहले पहले दो महीने की बात करते हैं हम टू मंथ तो भैया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट क्वेश्चन ने कहा था पूरे साल की हमारी कैपेसिटी है यहां पर पूरे साल की वन ट्वेंटी पूरे साल की हम बना रहे हैं सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पर पहले दो महीने तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड कैपेसिटी पहले दो महीने तो बारह हजार यूनिट बनाओगे आप पहले दो महीने में फिर उसके बाद के जो सिक्स मंथ्स हैं उसमें हम सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी पर है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट बनाओगे आप और उसके बाद के चार महीने हम एटी परसेंट कैपेसिटी पर हैं ठीक है जी फोर बाई आ आ आ गया इस तरह से जाएगी तो गई इसका इस बड़ा सिंपल सा होता है इसमें कोई उलझाने वाली चीज नहीं है ये आपको कोस्ट, कोस्ट, सेमी में उलझाते नहीं उल कि भाई पूरा वो सब कहानी पर नहीं होती तो रॉ मेटेरियल रुपीज पर यूनिट है यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा डायरेक्ट लेबर का ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा बारह हजार यूनिट है पहले मल्टीप्लाई बाई आठ रुपए से नाइनटी सिक्स थाउजेंड हो गया कितने महीने की बात है दो महीने के पहले क्वेश्चन ने कहा था फिफ्टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ से कम नहीं देंगे अब जरा बताना फिफ्टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ से दो महीने के पैसे कितने हो गए थाउजेंड तो बताइए विच एवरिज हायर वन लैख ट्व थाउजेंड मिल जाएगा 112. अब अगले छह महीने की बात करते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट है रुपीज से कितने हो गए थ्री सिक्सटी और छह महीने के हर महीने के फिफ्टी सिक्स से कम हो नहीं सकते तो छह महीने के निकालिए थ्री थर्टी सिक्स तो बताइए कौन जीत गया थ्री सिक्सटी तो थ्री सिक्सटी चले गए इसके बाद में फिर थर्टी टू थाउजेंड यूनिट तो थर्टी टू थाउजेंड यूनिट के आठ रुपए से टू फिफ्टी सिक्स और यही फिफ्टी सिक्स थाउजेंड Uh, कितने चार महीने हैं ना लास्ट में टू ट्वेंटी फोर तो यहां पर भी कौन जीत तो गया टू फिफ्टी सिक्स तो टू फिफ्टी सिक्स करना पड़ेगा यह हमारे पास मेटेरियल और लेबर आ गया अ फैक्ट्री ओवर हैड देखिये फिक्स एक लाख चार हजार रुपये पर एन एम है तो दो महीने का कितना होगा छह महीने का चार महीने का कितना फिक्स को इस तरीके से बांट देंगे वेरिएबल तीन रुपए पर यूनिट है कोई दिक्कत ही नहीं है पर यूनिट तीन रुपए से मल्टीप्लाई करिए आ गया अब सेमी वेरिएबल कैसे निकालेंगे तो सेमी वेरिएबल के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? हम पहले दो महीने 60 पर हैं। तो पर एनम का खर्चा है दो महीने का निकालो कितना होगा तो जी आठ हजार फिर उसके बाद आप सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी पे हो, अगले छह महीने तो आएगी से थर्टी तो 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 फिर आप एट्टी परसेंट पे काम कर रहे हो एट्टी भी इसी के अंदर आएगा सेवन से 80 इसी में रहेगा. तो, 60, पर एनम है, तो चार महीने का कितना होगा तो सिक्सटी थाउजेंड इंटू फोर डिवाइड बाई ट 20000 तो यहां पर ₹20000 आ गए तो यहां पर आपकी मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड आ गए बस सारी कॉस्ट को जोड़ दीजिए कॉस्ट को जोड़ने के बाद में प्रॉफिट सेल पर 25% है यानी कि कॉस्ट सेल का 75% है तो 1869000 की कॉस्ट है जो सेल का 75% है तो सेल कितनी होगी 2492000 आपकी सेल होगी यह सेल आ गई इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करिए डिड करिएट रुपीज आपका सेल प्राइस आ जाएगा ओके यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जामिनर का आजकल फेवरेट क्वेश्चन हो रखा है बीबी -बी क्यू थर्टी एट लेकिन यह क्वेश्चन पूरा नहीं देता एग्जामिनर आधा देता है इसके अंदर बेसिकली दो तरीके के पेन दो तरीके के खिलौने दो तरीके का कुछ भी दे देगा कि दो तरीके के पेन है दो तरीके खिलौने इस तरह से कुछ बताएगा और इनके खर्चों को कॉमन एक साथ में दे देगा फिर इनके खर्चों को स्प्लिट करना होता है हमें और एग्जाम में क्या किया जा रहा है हम मेरे मैं जो क्वेश्चन रखा हुआ यहां पर मैंने तो दो टुआई हैं दोनों के दोनों टुआई की कॉस्ट बनाई है लेकिन एग्जामिनर इनके साथ में क्या कर रहा है डिटेल दो की देगा मांगता सिर्फ एक का ही आंसर है दोनों की नहीं मांग मांगता यानी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम में आपकी मेहनत उसकी फिफ्टी होगी और ये दस नंबर में क्वेश्चन आ रहा है

अब हमें क्या करना है हमें करना है इनको अलग अलग बस इतना सही काम है कोई ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यू नहीं है अब यहां पर ये कुछ डिटेल दे रहे हैं देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप एक्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप वाई कह रहे हैं एक्स के अंदर डबल मटेरियल लगता है कंपेरिटिव टू वाई के तो बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा दो लाख रुपए हैं इसे एक्स और वाई में बांटना है क्वेश्चन ने कहा है x में डबल लगता है तो इसका मतलब टू इज टू वन में बांट दो अगर लगेगा दो रुपए का मटेरियल तो y में लगेगा एक रुपए का मेटेरियल तो में इसको बांट देते हैं ये आ जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री लैख और यह आ जाएगा सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स तो मैं बता दू गलत है ऐसे नहीं करना होता अभी आपको बात समझाऊंगा मैं पूरी आराम से समझेंगे तो जी डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात होता थी इसके बाद में यहां पर बताया है टाइप एक्स के फोर्टी थाउजेंड बनेंगे और टाइप वाई के वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड बनेंगे इसमें से इसके थर्टी सिक्स और इसके वन लैख बिक जाएंगे बिक कितने रहे उस समय मतलब नहीं फोर्टी थाउजेंड और वन ट्वेंटी बनने वाले अब जरा इस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन समझते हैं ठीक है क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट मेटेरियल इन टाइप एक्स हम मान लेते हैं हम दो पेन बनाने जा रहे हैं ये दो पेन है मेरे पास ठीक है डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप एक्स टाइप एक्स यानी जो इस तरीके के पेन है वाइट वाले और एक ये है ब्लैक वाले पेन तो जो वाइट वाले पेन है इस तरीके के पेन में डबल मटेरियल लगता है कंपेरिटिव टू वाई के तो ये जो बात बताते हैं टाइप एक्स टाइप वाई इसका मतलब था इस तरह के पेन में तो ये एक्स है इस तरह के पेन में दो गुना मेटेरियल लगता है काले वाले पैन के कंपैरिजन में तो इस तरह के पैन में लगता है डबल मटेरियल तो ये पूरी क्वांटिटी का नहीं सिर्फ एक यूनिट के बारे में बताते हैं तो एक यूनिट पर अगर इसमें दस रुपए का अब यहां पर एक यूनिट के लिए बताया सर तो कैसे बांटेंगे बड़ा सिंपल है जी ये देखो दो लाख रुपए का खर्चा है मेटेरियल का एक्स की कितनी यूनिट

और इस पर हो गया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इस रेशियो में खर्चा बटेगा अब दो को के रेशो में बांट दो तो और ही खर्चा आ जाएगा। अगर यहां चार लाख होता तो वन सिक्स कैसे करना है अब जरा देखिए आगे डायरेक्ट वेजिज दिए वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड अब डायरेक्ट वेजिज के लिए लाइन देखिए क्या लिखिए डायरेक्ट वेजिज फॉर टाइप वाई वर्सटी परसेंट ऑफ टाइप एक्स टाइप एक्स के वाई में 60 हजार का है। और वाई में कैसे बटेगा एक्स की फोर्टी थाउजेंड यूनिट वाई की वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट एक्स में अगर लगता है वन तो वाई में लगेगा पॉइंट सिक्सटी पैसे है ना तो यहां पर फोर्टी थाउजेंडी और यहां पर हो गया सेवेंटी टू थाउजेंड तो फोर्टी और सेवेंटी टू के रेशो में इनमें खर्चा बढ़ जाएगा इसके बाद में कह रहे प्रोडक्शन ओवर हेड थर्टी पैसे द सेम पर टू ऑफ एक्स एंड वाई ये तीस पैसे पर यूनिट है तो ये सिंपल है चालीस हजार यूनिट पर तीस पैसे बारह हजार और वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट पर तीस पैसे फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट और ट्वेल्व नहीं टेंड और ये हो गया थर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड फैक्ट्री ओवर हेड आ गया तो इस तरह से खर्चा स्प्लिट करना है अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल एटी और वन ट्वेंटी तो यहां पर मैं मेंशन कर देता डायरेक्ट मटेरियल हमारा टू लैख है कैसे बांटेंगे इन फोर्टी थाउजेंड इंटू टू टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन ये इनका रेशो हो गया ओके डायरेक्ट लेबर वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड है कैसे बांटेंगे फोर्टी थाउजेंड पर अगर वन लेबर लगती है तो इस टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पे पॉइंट सिक्स लेबर लगती है इस रेशो में वन जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कोई दिक्कत नहीं है एट द रेट ऑफ थर्टी पैसा पर यूनिट है तो चालीस हजार यूनिट पे थर्टी पैसा और वन ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट पे थर्टी पैसा ये हम फैक्ट्री कॉस्ट में यही है अब आगे सिंपल है एडमिन ओवरहेड टू हंड्रेड परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर है रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ठीक है जी तो जितनी भी लेबर आई है उसका टू हंड्रेड परसेंट कर देंगे जैसे यहाँ फोर्टी है तो ये एट्टी हो गई ये सेवनटी टू है तो वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड हो गया इसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसिव ट्वेंटी फाइव पैसे पर ट्वाय है तो सेलिंग एक्सपेंस उतने ट्वाय पर लगेंगे जितनी यूनिट बिकी हैं तो थर्टी सिक्स और वन लैख ,00 पर ये सेलिंग एक्सपेंस आप क्या जाएंगे इसके बाद में क्वेश्चन ने प्रोडक्शन और सेल बता दिया सेल प्राइस सेवन रुपीज एक्स का है और वाई का फाइव रुपीज है तो सेवन रुपीज और फाइव रुपीज से इनको सेल कर देंगे थर्टी सिक्स और वन लाख यूनिट को क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा दोनों का इसका फोर थाउजेंड और इसका ट्वेंटी थाउजेंड ये थर्टी सिक्सेंड क्लोजिंग स्टॉक ट्वेंटी थाउजेंड तो फोर थाउजेंड यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है अब देखिए टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फोर्टी थाउजेंड यूनिट का इसमें से फोर थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्वेंटी टू हंड्रेड यह क्लोजिंग स्टॉक आ गया और थ्री लैख सेवेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टॉक इसका आ गया बस क्वेश्चन खत्म तो एग्जाम में क्या आने वाला है एग्जाम में ये पूरा डेटा देकर आपसे कहेगा कि टूआई एक्स या फिर टू वाई किसी एक टू की डिटेल मांगेगा तो एक टू का खर्चा हम लोग निकाल देंगे यहां पर मैंने जो निकाला है वो लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर टू आई एग्जाम में अगर पर टू आई मांगता है तो पर यूनिट वाला निकालेंगे वरना जरूरत नहीं पड़ेगी ओके इसके बाद में हमारा क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन आरटीपी का क्वेश्चन है ये नवंबर ट्वेंटी थ्री का उससे पहले भी ये आरटीपी में पहले भी आया हुआ है पुरानी आरटीपी में स्टडी मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है पर एग्जाम में स्टडी मॉड्यूल से आरटीपी से एमटीपी से और पास्ट ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है तो यहां पर देखते हैं इसके अंदर एक पॉइंट है जो मुझे आपको सिखाना जरूरी है बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स एक प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 23 कंपनी हैज प्रोड्यूस 14560 टन ऑफ एक्स तो हमने 14560 टन बनाया है मटेरियल कंज्यूम्ड 15 लाख है डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा पावर कंज्यूम्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी 13,000 पावर लगी है जाएगीवन नाइनटी वन थाउजेंड की पावर आ गई डीजल कंज्यूम्ड पावर डीजल फ्यूल जो भी कंज्यूम्ड है 1,000 लीटर 93 का डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा और ये हो गया 93,000 का वेजिज एंड सैलरी पेड डायरेक्ट वेजिज में आ जाएंगी या तो कोई दिक्कत दिख रही है आपको सिंपल है बिल्कुल ग्रेचुटी लीव एंड कैशमेंट तो ग्रेचुटी लीव एंड कैशमेंट बोनस ये सारी चीजें डायरेक्ट वेजिज में एड हो जाएंगी ओके हायरिंग चार्जेज हायर चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएंगे हायर चार्ज पेड फॉर हैवी अर्थ मूविंग मशीन एच ई एम एम इन प्रोडक्शन थर्टीन लैक हायरिंग चार्ज इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन तो हायरिंग चार्ज जहां आया डायरेक्ट एक्सपेंस दिमाग ही नहीं लगाना जॉब चार्ज जहां पर आया डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने जो पूरी लिस्ट बनाई है उसके बाहर से ना चीज आएगी आपकी और उस लिस्ट को बस याद कर लिया दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं सीधे नाम पड़ा यहां पर आएगा जी हायरिंग चार्ज इज पेड फॉर कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज अब ऑफिशियल पर्पज का हायर चार्ज तो लिस्ट में लिखा हुआ है हाई चार्ज ऑफिस वाले तो एडमिन ओवर आएंगे जा रहे हैं तो वो कार चलाते हुए उन्होंने खुद से डीजल डलवा लिया वो पर्ची लाकर आपको दिखा देते हैं जी इतने रुपए का डीजल डला है तो वो डीजल के पैसे भी कंपनी दे देती है ट्वेंटी थाउजेंड एडमिन ओवरहेड में आ जाएगा अब यहां पर जो पॉइंट बताना है हायरिंग ऑफ कार्स अट्रैक्ट जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मेथड आर सी एम एट फाइव परसेंट विदाउट क्रेडिट अगर क्रेडिट नहीं है तो पहली बार कॉस्ट का हिस्सा बनेगा क्रेडिट होता अगर इनको टैक्स रेट तो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता अब फाइव परसेंट जीएसटी लगाना है वो हमारी कोस्ट का हिस्सा बनेगा तो हायरिंग के ऊपर अट्रैक्ट है जीएसटी तो हायरिंग चार्ज तो नाइन एटी थाउजेंड है तो मैं आपको बता दूं जीएसटी रिवर्स चार्ज मेथड में जो कार के हायर चार्जेस पे लगते हैं उसके अंदर हायर चार्ज और डीजल की दोनों की कॉस्ट जोड़ी जाती है तो यहां पर ये रिलेटेड तो जीएसटी से हो गई बात लेकिन यहां पर कॉस्ट शीट में रखा गया है और आर में तीन बार आरटीपी में आ चुका है तो इसका मतलब आईसीआई कभी भी इसको पूछ सकता है तो हमारे पास एक लाख रुपए है डीजल और हायरिंग का इस पर पांच परसेंट जीएसटी पांच हजार रुपए हो जाएगा और ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा ये यहां पर मेन पॉइंट है जो बताने के लिए इसको रखा था इसके बाद में कह रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर फॉर वेइंग 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 ब्रिज ब्रिज ये weighing क्या है जी ऑफ फाइनल फाइनल गुड तो गुड्स का वेट तोड़ने के लिए इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पैच तो डिस्पैच के टाइम पर जा रहा है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गया जी एमसी एम सी होती है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट तो मेंटेनेंस का खर्चा बेसिकली ऑफ ऑफ सीसीटीवी सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग वेइंग ब्रिज फॉर फाइनल गुड्स तो CCTV लगाए हुए हैं कि क्या क्या सामान जा रहा है निकल के उसे देखेंगे हम ठीक है जी तो वेइंग ब्रिज पर सीसीटीवी लगा रखा है एंड फैक्ट्री प्रीमाइसिज और फैक्ट्री प्रीमाइसिज पर भी है उनकी एमसी जा रही है सिक्स थाउजेंड एंड एटीन थाउजेंड पर मंथ रेस्पेक्टिवली तो क्वेश्चन भी मंथ का ही चल रहा है तो सिक्स थाउजेंड चले आएंगे Uh, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और एटीन थाउजेंड चले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में टीए डीए तो टीएडीए बेसिकली क्या होते हैं जब आपके स्टाफ बाहर जाते हैं ना तो जाने के लिए जो अलाउंस होता है वो ट्रेवल अलाउंस होता है और डीए होता है कि भी कुछ खाने पीने के लिए उसको डेली अलाउंस बोलते हैं डीएनएस अलाउंस नहीं है टीएडीए बोलते हैं खाने पीने के खर्चे जो एम्प्लॉइज के होते हैं एंड होटल बिल तो जैसे आप ऑडिट पे जाएंगे अभी आर्टिकल शिप में तो खूब टीएडीए मिलेगा ये भी इस टाइप एंड के अलावा बड़ी मोटी कमाई हो जाती है बच्चे क्या करते हैं खाना खाएंगे ढावे पे पचास सौ रुपए में और बिल भेज देंगे तो मैं आपको बता दूं। अपने सीए से पहले ही पूछ लेना आप तो ले गए आप तो वहां पे ऑफिस पहुंचे टैक्सी से आराम से ऑफिस जा रहे हो आर्टिकल सिक्स में हम तो टैक्सी से से पहुंचे और आपके सीए ने आपको पकड़ा दिया किले मेट्रो के पैसे भाई तो पहले ही पूछ लेना कि आपको टीएडीए कितना मिल रहा है इसका ध्यान रखिएगा ए डीए एंड होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर वेजिज सैलरी और ग्रेचुटी दोनों जुड़ गए डायरेक्ट एक्सपेंसिव पावर डीजल और हायर चार्ज मशीन के तीनों आ गए इसके बाद में फैक्ट्री प्रीमाइसिज के लिए सीसीटीवी था अठारह हजार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीसीटीवी सोलह हजार का सॉरी छह हजार रुपये का आ गया था इसके बाद में एडमिन ओवर हैड के अंदर जो कार्स हैं जो उनका रिम्बर्समेंट है और जीएसटी एस देखे पूरे एक लाख रुपए में लगेगा ये आ गया और वेइंग ब्रिज की मेंटेनेंस और टीएडीए सेल मैनेजर का यहाँ पर आ गया कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई यहां पर हमने लिख भी दिया है कि आर कंबाइंड वैल्यू पर आता है कार के हायरिंग चार्ज और डीजल के रिम्बर्समेंट पर यह हमारा कॉस्ट शीट खत्म हो गया बहुत ही बढ़िया अब आप लोग को इसमें जो जो डाउट है वो पूछ सकते हैं एक बात बता ये कोश शीट में मजा आ गया बिल्कुल या नहीं आ गया और बहुत आसान चैप्टर रहा या नहीं रोजाना आपके चैप्टर खटाखट खटाखट निकलते जा रहे हैं मैं आपको बता दूं जॉब एंड बैच तो बिल्कुल आधे घंटे का ही है सिर्फ उसके बाद में ऐसे करेंगे यहां पर कोई डाउट है इतने तो ये बता दीजिए इतने आप लोग डाउट सोचो और जरा अः देख लो मैं एक मिनट जरा चाय बोल के आता हूँ अपने लिए आज मेरी चाय रह गई और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया कि सर चाय नहीं पी लो आ जाओ हां जी बेटा बीवी -बी क्यू थर्टी एट अब इसमें क्या बताए थर्टी एट में हाँ जी कोई डाउट नहीं मजा आ गया सर लास्ट पॉइंट कोस्ट का पार्ट क्यों नहीं बना कौन सा लास्ट पॉइंट कोस्ट का पार्ट नहीं बना बेटा ये ये जो लिखा है एक सौ अस्सी एम्प्लॉय छब्बीस दिन काम करते हैं तो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ एक सौ अस्सी एम्प्लॉय छब्बीस दिन काम करते हैं और 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 और, और। सर ये याद कैसे करें बेटा याद तो करना पड़ेगा बहुत आसान है यस लास्ट क्वेश्चन में मिक्स ऑफ इनकम टैक्स जीएसटी सैलरी आरसीएम याद आ गया बहुत बढ़िया बहुत मजा आ गया सर दिल गार्डन गार्डन हो गया टॉय वाला एक बार टॉय वाला दो बार से रिपीट करके देख लेना जीएसटी का ट्रीटमेंट कुछ नहीं उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट का हिस्सा बन गया तो जीएसटी एस हजार था वो कॉस्ट का हिस्सा बन गया यहाँ पर इंश्योरेंस जो रो मेटेरियल परचेज करते टाइम देते हैं वो कहाँ आएगा वो मेटेरियल की कॉस्ट में जुड़ा हुआ होता है खुद ही ओके okay. और 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 एक कह रहा है जो भी ला रहे हो दो ले आना सर ऊपर के क्वेश्चन में टू मंथ नेक्स्ट सिक्स मंथ फिर फोर मंथ कैसे हो गए क्योंकि बेटा पूरे साल में बारह महीने होते हैं तो दो छे हो गए आठ बचे चार और, 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 और इसके बाद में आपका सर आपके करवाए ये चैप्टर सच में बहुत इजी लगा बिल्कुल लड्डू है ही लड्डू आपको पहली बार हंसते हुए देखा है मैंने शुभम चौरसिया कह रहे हैं क्यों भाई ऐसे मत करा करो भाई हंसते तो रहते हैं अब क्या करें पढ़ाते हुए बच्चों का टाइम भी तो वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब कुछ आ गया बच्चा कह रहा है जीएसटी को एडमिन में क्यों लिया है क्योंकि कार ऑफिस के पर्पज के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कशिश जिंदल सही कह रहे हैं क्योंकि कार का खर्चा एडमिन का है तो उसका जीएसटी भी एडमिन में ही आएगा आरसीएम वाला आरसीएम कुछ भी नहीं है अगर जीएसटी होगा तो जैसे हायरिंग चार्ज है ये कार की हायरिंग चार्ज और है एक लाख रुपए तो बस जीएसटी भी यहां पर ऐड करके दिखा देंगे पांच हजार रुपये ठीक एक बच्चा कह रहे लड़के लड़कियों की हेल्प क्यों कर रहे हैं वो तो बताइए मोनू शर्मा अगर आप लड़के हैं और आपको ये बात नहीं पता तो आपको सोचना होगा ये सवाल आपने क्या पूछ लिया ये तो आपको पता होना चाहिए ये तो टॉप सीक्रेट होता है हम लोगों का जीएसटी को एडमिन में क्योंकि कार ऑफिशियल बिल्कुल ठीक है।, है जी यहां तक का काम खत्म एक बार वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और फिर अब हम चालू कर रहे हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग हार्डली 20 से 25 मिनट में हो जाएगा उसके बाद फिर से डाउट सेशन लेंगे जी इतने वीडियो में लाइक ठोक दीजिए सभी जी जॉब एंड बैच कॉस्टिंग मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जॉब एंड बैच कॉस्टिंग की प्रोबेबिलिटी एग्जाम की बहुत कम होती है लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पांच से दस नंबर का कई बार मिल जाता है तो कई बच्चे कई बार ऐसा चलता है ना आपने देखा होगा यूट्यूब पे एबीसी एनालिसिस चलता है ये चलता है वो चलता है इन सब चक्करों में मत पड़ा करिए सारे चैप्टर्स करके जाइए कुछ नहीं पता कहां से क्या आ जाए कह नहीं सकते कि भाई कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा नहीं गलत बात है हाँ तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है जॉब कॉस्टिंग के अंदर में एक तो होती है रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे बताइए ये वाला जो कैलकुलेटर है ये कैलकुलेटर ऑर्डर आने पे बनता है या पूरे साल बनता रहता है ये एक रेगुलर प्रोडक्ट है ये पूरे साल बनता रहता है तो इसके लिए बनती है कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट बनेगी इसके लिए और इसमें सारे खर्चे वर्चे आकर ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना है कैलकुलेटर का कितने कैलकुलेटर अभी बिकने से रह गए क्लोजिंग फिनिश गुड्स और फिर सीओ जी एस ऐसे चलता है ये है ना इसके बाद में आते हैं ये होता है रेगुलर प्रोडक्ट्स के लिए जो पूरे साल बनते रहते हैं फिर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो रेगुलर नहीं होते बल्कि ऑर्डर पे बनाए जाते हैं आ, तो वहां पर जो कोशीट बनती है वो स्पेसिफिक ऑर्डर पे बनती है स्पेसिफिक ऑर्डर और यहां पर इस कॉस्टशीट का नाम कह देते हैं कि जॉब कॉस्टशीट है हमारे पास एक जॉब आई है एक काम आया है तो स्पेसिफिक ऑर्डर्स अगर आपके पास आते हैं तो आप कॉस्ट शीट की जगह जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं दैट्स इट और कोई फर्क नहीं है अब स्पेसिफिक ऑर्डर वाला कौन सा काम होता है जैसे मान लीजिए आप एक टेलर के पास जाते हैं और एक आप रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं तो रेडीमेड शर्ट तो बनती रहती है और आती रहती है दुकान पर उस कंपनी की जैसे कोई भी कंपनी ले लेते हैं वैन हुसैन मैं वैन हुसैन के पहने बैठा हूं शायद हां तो उसी का नाम ले लेता हूं तो अब बताइए वैन हुसैन की जो टी शर्ट है ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई होगी या पहले से बनी हुई होगी वहां पे वहां पे ऐसी बहुत सारी टी शर्टें थी मुझे पांचवी चाहिए अगर सेम साइज़ की मिल जाती तो उनके पास बिकता रहता है आता रहता है पूरे साल चलता रहता है लेकिन अगर मैं टेलर के पास जाऊं तो टेलर यहाँ से ऐसे नापेगा कंधे नापेगा ऐसे चेस्ट ऐस नापेगा बाइसेप्स नापेगा इस तरीके से वो सारी चीज़ें अपना मेजरमेंट करने के बाद में मेरे लिए एक स्पेसिफिक उसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर है मेरे लिए टी शर्ट बना देंगे सिल देंगे उसके बाद में फिर दूसरा कस्टमर आएगा उसके हो सकता है मेरे को यहाँ पर चाहिए ही नहीं तो बताऊंगा अगर, पे अगर आप काम करते हैं तो आप एक जॉब वर्कर हैं और आप जॉब शीट बनाएंगे इसके अंदर बस आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं होते क्योंकि रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है तो जैसे आपकी कॉस्ट शीट बनती है वैसे ही जॉब शीट बनती है कोई भी फर्क नहीं है बस ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं आएगा और कॉस्ट शीट के आगे नाम लिख देंगे जॉब तो हमारे पास जॉब कॉस्टिंग इन दिस मेथड कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड एक्यूमलेटेड फॉर स्पेसिफिक जॉब या वर्क ऑर्डर ईच जॉब इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी हर जॉब अलग मानी जाएगी उसकी कॉस्ट उसका प्रॉफिट अलग निकाला जाएगा दिस मैथड इज यूज टू सरटेन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच जॉब एंड टेक्स इन टू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल एम्प्लॉइज एंड ओवर जी कॉस्ट शीट कैसी दिखाई देगी जॉब कॉस्ट शीट सेम वही डायरेक्ट मेटेरियल वेटेड एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट आ गई फैक्ट्री ओवरहेड लीजिए कोई ओपनिंग डब्ल्यू आईपी है तो ले लीजिए वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गई अगर क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी है तो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का मतलब है आपका काम पूरा नहीं हुआ तो स्टेटमेंट यहीं पर रुक जाएगा तो अगर क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी है तो आप फैक्ट्री कॉस्ट पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि एक ही सिंगल ऑर्डर का अगर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है तो सिंगल ऑर्डर पूरा हुआ ही नहीं है तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट से आगे जाओगे कहां तो इसीलिए इसमें कहाब्ल्यू आईपी की वैल्यूएशन भी पूछ लेता है कई बार तो अगर क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी की वैल्यूएशन करनी है तो कैसे होगी मटेरियल लेबर एक्सपेंस लो प्राइम कॉस्ट पे पहुंचे फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी जोड़ो फिर आपका काम पूरा नहीं हुआ तो ये बन जाएगी क्लोजिंग डब्ल्यू की वैल्यू और कॉस्टशीट यहीं पे बंद हो जाएगी आपकी तो अगर आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यू कॉस्टिंग में इसका मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ और वो डब्ल्यू पे जाकर ही रुक जाएगी तो इसीलिए आपको जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे जिसमें क्लोजिंग डब्ल्यू नहीं होगा तो हमारे पास क्या चलेगा मेटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट पे पहुंच गए फैक्ट्री कॉस्ट ओपनिंग डब्ल्यू है लेकिन क्लोजिंग नहीं है क्योंकि अगर क्लोजिंग हुआ तो बस यहीं पर रुक जाओ आगे काम हुआ ही नहीं एक ही मान लो ये कैलकुलेटर में बना रहा हूं और ये अभी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में है तो इसका मतलब बस वहीं तक काम हुआ है अभी जब इसको पूरा बना लूंगा तभी कॉस्ट शीट आगे बढ़ा पाऊंगा इसके बाद में हमारे पास वर्क कॉस्ट आ गई एडमिन जोड़ो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फिर नॉट रिलेटेड है तो सीओजीएस के बाद चले जाओ यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही चीज है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स है ही नहीं इसके बाद में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ो कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और सेल आ जाएगा बिल्कुल सिंपल है इसके बाद में दूसरा हमारे पास रहेगा कंसेप्ट बैच कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग के अंदर हम स्पेसिफिक ऑर्डर पूरे बैच का लेंगे तो यहां पर, यहां पर पर हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर जो रहेंगे वो एक स्पेसिफिक लॉट में बनाएंगे हम सॉरी बैच कॉस्टिंग टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच आर्टिकल्स आर मैन्युफेक्चर इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स तो हम यहां पर जो ऑर्डर लेंगे वो स्पेसिफिक लोट्स में बनाएंगे और इन लोट्स को ही हम बैच बोलेंगे लोट किस तरीके से जैसे आप देखेंगे बेकरी आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है अच्छा स्क्रीन ही चली गई वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट हम्म गई जी गई हाँ जी तो बैच कोस्टिंग के अंदर स्क्रीन कितनी देर से गई हुई आप बता सकते हैं क्या मेरे को वन मिनट कहां तक की स्क्रीन थी और कहां पर गई है बता देना एक बार बैच से गई है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हां जी तो बैच कॉस्टिंग के अंदर क्या रहता है बैच कॉस्टिंग के अंदर हमारा बिजनेस इस तरीके का होगा कि हम स्पेसिफिक लॉट्स में बनाएंगे जैसे बेकरी आइटम होते हैं तो बेकरी आइटम आपने शायद देखा हो बेकरी कैसे होती है उनके पास ऐसे ट्रे होती है तो जैसे मान लो पेस्ट्री बननी है तो इस ट्रे में ऐसे पेस्ट्री ऐसे रखी होती है तो बीस से पच्चीस या चौबीस पेस्ट्री का एक सेट होता है और वो क्या करते हैं इन पेस्ट्रीज को लेते हैं और उनके पास एक होती है भट्टी भट्टी बोलते हैं उसको उसमें भट्टी में ये पेस्ट्रिया भेज देंगे फिर निकालेंगे ऐसे ही में बोलते हैं बोलते हैं पापे बोलते हैं ये सब चीजें तो, तो ये क्या करते हैं जो भट्टियों में जाती हैं बनती हैं तो ये ऐसे ट्रे के अंदर क्रेटों के अंदर रखे रहते हैं तो ये क्या हो गया ये पेस्ट्रीज का या फैंस का एक बैच हो गया एक लोट हो गया तो एक बार में एक लोट प्रोसेस किया जाता है तो हमारे पास बेकरी आइटम्स सारे के सारे जो होते हैं वो बैच कॉस्टिंग के हिसाब से चलते हैं ऐसे जो खिलौने भी बनते हैं वो भी बैच कॉस्टिंग के अंदर चलते हैं स्पेसिफिक इतने खिलौने बने उसके बाद में अगला ऑर्डर आएगा तो फिर से और दूसरे लोट में बना लेंगे तो बैच कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे स्पेसिफिक लोट की कॉस्ट निकालेंगे इसकी कॉस्ट शीट भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे जॉब कॉस्टिंग की बनती है इसके अंदर जो चीज पूछी जाती है वो पूछा जाता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है कॉपी पेस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल जो मटेरियल का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है यहां पर वो दोनों सेम है बस जो ईओ क्यू है वो एप्लीकेबल है रॉ मटेरियल पर और जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है वो एप्लीकेबल है फिनिश्ड गुड्स पर तो यहां पर वहां पर था अंडर रूट टू ए डिवाइड बाई सी ए का मतलब था रॉ मटेरियल कितना चाहिए यहां ए को रिप्लेस कर दिया डी ने डी का मतलब एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वहां रॉ मटेरियल था यहां प्रोडक्ट है ओ okay, oh, वहां पर था ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर है सेटअप कॉस्ट तो यहां पर ओ की जगह एस हो गया ए की जगह डी ओ की जगह एस और सी कैरिंग कॉस्ट ऐसे ही है वहां पर कैरिंग कॉस्ट ही पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पर है नाम यहां पर कैरिंग कॉस्ट है फिनिश्ड गुड्स की तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट्स इट तो इसमें एग्जाम में बैच कॉस्टिंग में ईबी क्यू पूछा जाता है वो ईओ क्यू का कॉपी पेस्ट है तो वो आता ही है लेकिन फिर भी हमने इसके भी एक दो क्वेश्चन रख लिए है अब पहले जॉब के क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे दिखाई देंगे ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है खूब पूछा जाता है इसमें क्या करते हैं ये कॉस्ट शीट के आइटम्स को जम्बल्ड कर देते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं किस तरह से अ फैक्ट्री यूज जॉब कॉस्टिंग द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा इज ऑबटेन फ्रॉम इट्स बुक फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी टू डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट वेजिट प्राइम कॉस्ट हो गए सेलिंग एडमिन फैक्ट्री ओवरहेड प्रॉफिट तो बताइए प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे इसके बाद में फिर एडमिन ले लेंगे फिर सेलिंग ले लेंगे फिर प्रॉफिट लेंगे और हमारे पास सेल्स निकल आएगी तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल वेजिट प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड फिर एडमिन और सेलिंग कॉस्ट ऑफ सेल फिर प्रॉफिट और फिर सेल आ गई ठीक है यह हमारे पास डेटा दे दिया थर्टी दिसंबर ट्वेंटी का अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर वन देखिए प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल एंड द सेल्स वैल्यू तो ये तो बच्चों वाला काम हो गया इसको सीधा रखना है और हमारे पास आ जाएगा अब इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है वो पूछा जाता है देखिए इन 2023 फैक्ट्री रिसीव अब अगले साल की बात हो रही है ट्वेंटी का डेटा दे दिए घुमा फिरा के अब ट्वेंटी की बात कर रहे हैं द फैक्ट्री रिसीव एन ऑर्डर फॉर अ नंबर ऑफ जॉब इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मेटेरियल रिक्वायर्ड ट्वेल्व लैक डायरेक्ट लेबर सेवन फिफ्टी मेटेरियल और लेबर बता दिया मेटेरियल और लेबर प्राइम कॉस्ट तक हम आ गए अगले साल का ठीक है जी अब यहां से खेलना शुरू करेगा अब कहेगा वॉट वुड बी द प्राइस ऑफ द जॉब इफ कंपनी इंटेंड टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल अब मुझे बताइए हम सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कमाना चाहते हैं तो यहां पर आपको सेल पर प्रॉफिट की परसेंटेज देखनी होगी सिक्स लेख नाइन थाउजेंड थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर पर इंटू हंड्रेड सिक्स लैक नाइन थाउजेंड डिवाइड बाई थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर तो जी सिक्सेंट हमारा प्रॉफिट परसेंटेज से. है एज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पंद्रह परसेंट बढ़ने वाले फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवर के बेसिस पर लिंक है तो फैक्ट्री ओवर 450 ये वेजेस से लिंक है तो 450 के ओवरहेड, 750 की वेजेज पर है तो फोर फिफ्टी डिवाइड बाई सेवन फिफ्टी सिक्सटी परसेंट तो सिक्सटी परसेंट ऑफ तो वेजिज हो गया फैक्ट्री ओवरहेड तो हम यहां प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए थे अब फैक्ट्री ओवरहेड वेजिज के सिक्सटी परसेंट फोर फिफ्टी अब हम पहुंच गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे या फैक्ट्री कॉस्ट पर आगे कह रहे हैं एंड एडमिन एंड सेलिंग ओवर सेलिंग है ये दोनों खर्चे वर्क कॉस्ट से लिंक करने हैं तो एडमिन के 420 21 लाख की वर्क कॉस्ट पर परसेंटेज में निकालना है 20 परसेंट और फाइव ट्वेंटी फाइव सेलिंग के ट्वेंटी वन लैख की वर्क कॉस्ट पर ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट हो गया एडमिन और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट हो गया सेलिंग लेकिन ध्यान रखना है कि सेलिंग के खर्चे को पंद्रह परसेंट बढ़ाना भी है तो हमारे पास फैक्ट्री ओवर हेड तक आ गए एडमिन और सेलिंग ये वर्क कॉस्ट का ट्वेंटी ये ट्वेंटी फाइव परसेंट जितना भी आए उसमें पच्चीस परसेंट और जोड़ देना तो जैसे ट्वेंटी फोर लैख का ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया सिक्स लैख इसमें पंद्रह परसेंट और जोड़ दो सिक्स नाइनटी आ गया इसके बाद मेंिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन सेल पर है तो आपकी सेल वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो ये अभी वाला जम्बल देगा उसके आगे की आपसे निकलवाएगा और आपको यहां से सब जगह से परसेंटेज ढूंढनी पड़ती है तो एक क्वेश्चन तो जॉब में ये आता है बहुत पूछा जाता है वाला दूसरा क्वेश्चन है बीबीक्यू क्यू फोर्टी वन ये एक बार पूछा जा चुका है स्टडी मॉड्यूल के अंदर भी है ये भी सिंपल है द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंटेड बाई द सुपरवाइजर ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ जॉब डायरेक्ट मेटेरियल वन ट्वेंटी डायरेक्ट वेजेज सिक्सटी चार्जेबल एक्सपेंस ट्वेंटी टोटल टू हंड्रेड हो गए तो बेसिकली ये प्राइम कॉस्ट आ गई इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे एनालिसिस ऑफ पी एंडल फॉर द एंडेड। फिर पूरे साल का पी एंडल आपको दे देगा तो यहां पर एक जॉब की बात करी गई थी और यहां पर पूरे साल का एल आपको

तो आपको अब ये जो जॉब की कॉस्ट है इसकी आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी है ओके जी और कह रहे हैं जो जॉब कॉस्ट शीट बनाओगे आप वो जो हमने ऊपर फिगर दी है उन्हें बेस लेकर बनाओगे तो ऊपर फिगर एक तो हमारे पास ये आ गई दूसरा पी एंड एल आ गया हमारे पास इसके बाद में कह रहे हैं उसके बाद में ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट जोड़ देना सेल प्राइस पे पहुंचने के लिए ठीक है तो एक तो हमारे पास भी मेटेरियल भेजी जो चार्जेबल एक्सपेंस हो गए टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड तो हमारे पास ही आ गया मेटेरियल वेजेज चार्जेबल एक्सपेंस जो वेजेज है वो हमने ए के फोर आर्स थे बी के सेवन सी के टू डी के टू और टोटल हमारा चार रुपए के रेट से लेबर का खर्चा था तो साठ रुपए आए थे तो फोर आर्स फोर रुपीज से सिक्सटीन सेवन आर्स फोर रुपीज से ट्वेंटी एट टू आर्स एट रुपीज और टू आवर्स एट रुपीजी ट्वेंटी साठ रुपए पास आ गई तो 16, 28, 8, 8 ये हमारे पास आ आ गया चार्जेबल एक्सपेंस हमारी प्राइम कॉस्ट चुकी है अब इसके आगे हमें कॉस्ट शीट बनानी है इन्होंने कहा है कि जो ऊपर हमने डेटा दिया है उसे बेस लेके बनाओ तो हमारे पास जरा चलते हैं अब बताइए क्या प्राइम कॉस्ट पे तो आगे अब हमें जोड़ना क्या है ओवरहेड्स तो अब पी एंड एल अकाउंट में अगर हम देखें मेटेरियल आ गया वेजेज आ गया इसके बाद में स्पेशल और स्टोर आइटम वो हमारे चार्जेबल एक्सपेंस में चला जाएगा इसके बाद में मेन चीज आती है ये overheads. अब जरा देखिए डिपार्टमेंट ए बी सी डी के दिए हुए हैं अब इन ओवरहेड को हम लिंक किससे करें क्वेश्चन ये नहीं बताएगा तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है ऐसे ही आता है आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा खर्चा है जो चारों डिपार्टमेंट का आपको अलग अलग दिया हुआ है ओवरहेड के अलावा तो ओवरहेड के अलावा डायरेक्ट वेजेज है जो चारों डिपार्टमेंट की अलग अलग दी गई है तो हमारे पास डिपार्टमेंट एवर ट्व और डिपार्टमेंट बी का, का खर्चा है सिक्स थाउजेंड और वेजेज एट थाउजेंड तो सिक्स थाउजेंड बाई एट थाउजेंड ये खर्चा हो गया सेवन परसेंट ऑफ वेजेज इसके बाद का खर्चा तो 90% ऑफ ये हम ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल रहे हैं इसका खर्चा है ऑफ थाउजेंड ट्वेंटी हमारे पास ओवरहेड के रेट आ गए हंड्रेड परसेंट सेवेंटी फाइव तो 100 75 90 और एटी फाइव परसेंट ऑफ वेजेज ओवरहेड आ गए लिंक किससे करेंगे लिंक उस चीज से करेंगे जैसे ओवरहेड चारों के दिए ऐसे ही कौन सा खर्चा चारों का दिया है तो ये वेजिज ही देंगे आपको एग्जाम में अच्छा ऐसा भी हो सकता था वेजिज की जगह मेटेरियल दे देते चारों का तोड़कर तो हम मेटेरियल से लिंक करते हैं जिस चीज को चारों डिपार्टमेंट का दिया जाएगा उसी से लिंक करेंगे ठीक है जी ये हमारे पास ओवर आ गए इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है हमें नाइनटी थाउजेंड तो सेलिंग एक्सपेंस के लिए रूल रहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमेशा खर्चे को अपने से ऊपर वाले आइटम से लिंक करना चाहिए तो बताइए सेलिंग एक्सपेंस से पहले क्या आ रहा होगा

तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर जॉब में तो दोनों सेम होते हैं उसका थर्टी परसेंट हमारा सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये ना बताया गया कि रिकवरी किससे करनी है तो हमेशा जहां खर्चा लिखा होता है उससे जस्ट ऊपर वाले हेड से तो सेलिंग एक्सपेंस से ऊपर वाला हेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने सारे खर्चे जोड़ लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स गुडसोल्ड आगे थ्री लेख टू लेख फिफ्टी सिक्स और फोर्टी फोर ये तीन खर्चे हैं थ्री लैक पर नाइनटी थाउजेंड के हमारे सेलिंग एक्सपेंस हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है तो थर्टी परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा तो हमारे पास ओवरहेड आ चुके थे ऑलरेडी ओवरहेड ये आ गया हमारे पास जी फिर से पूरा पहले हम पहुंचे प्राइम कॉस्ट तक जो दी हुई है फिर ओवरहेड हमने ढूंढे वेजिट से लिंक है इसके बाद में हमारे पास वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जॉब में तीनों सेम होते हैं सेलिंग एक्सपेंस थर्टी परसेंट उस पर जोड़े हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल है तो सेल पर ट्वेंटी ओवरहेड का रिकवरी रेट कैसे निकला है और सेलिंग का कैसे निकला है ये स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है ध्यान रखना है फाइव मार्क्स में आएगा लेकिन करने में भी आपको पांच ही मिनट लगेंगे मैक्सिमम ठीक है इसके बाद हमारे पास है बीबीक्यू क्यू फोर्टी टू यहां पर आपके पास क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बैच कोस्टिंग के ठीक है बीबी क्यू फोर्टी टू बस एक दो एक दो क्वेश्चन ही है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी ए लिमिटेड इज अ फार्माक्यूटिकल कंपनी विच प्रोड्यूसिस वैक्सीन फॉर डिजीज लाइक मंकी पॉक्स कोविड नाइनटीन एंड चिकन पॉक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैज गिवन एन ऑर्डर ऑफ 1600 मंकी पॉक्स वैक्सीन 1600 यूनिट्स का आपके पास ऑर्डर आया है कंपनी कैन प्रोड्यूस 80 वैक्सीन एट अ टाइम एक बार में 80 वैक्सीन बनाते हैं यानी इनका बैच साइज इनका लोट साइज 80 वैक्सीन का है 1600 वैक्सीन टोटल बनानी है एक बार में 80 बनाओगे तो बताइए कितने बैच आपके लगेंगे 20 बैच आपके लगने वाले हैं एक बैच में 80 तो 20 बैच में 1600 इसके बाद में कह रहे हैं टू प्रोसेस अ बैच ऑफ एटी मोकी पॉक्स वैक्सीन तो एक बैच को प्रोसेस करने में हमारा क्या क्या खर्चा आएगा डायरेक्ट मटेरियल इतना डायरेक्ट डायरेक्ट जितना और सेटअप का का खर्चा इतना इतना ये सब कुछ कॉस्ट है है हमारी ठीक तो एक बैच का इतना आएगा तो ट्वेंटी बैच का कितना आएगा मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी कर देंगे बस काम खत्म तो यहां पर इन तीनों खर्चों को उठाकर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी कर देंगे ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट बन गई ट्वेंटी बैच की सिक्सटीन हंड्रेड वैक्सीन की सिक्सटीन हंड्रेड वैक्सीन की सेल वैल्यू और सेल प्राइस पर वैक्सीन चाहिए इन्हें ओके फिर प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ने कह रहे हैं ट्वेंटी परसेंट वेजेज का ले लो लो जी वेजेज का ट्वेंटी परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड आ गए कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इसे उठा लो इसका ट्वेंटी परसेंट वन ट्वेंटी फाइव का पच्चीस हजार रुपए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया वन फिफ्टी कॉस्ट हो गई फिर कह रहे हैं कंपनी चाहती है पच्चीस परसेंट सेल पर कमाई यानी कॉस्ट सेवेंटी फाइव हो गई तो एक लाख पचास हजार कॉस्ट है जो सेवेंटी फाइव परसेंट है तो सेल आ गई टू लाख आपके पास सेल प्राइस आ गया सिक्सटीन हंड्रेड वैक्सीन का अगर आप टू लाख को सिक्सटीन हंड्रेड वैक्सीन से डिवाइड करोगे तो एक वैक्सीन का सेल प्राइस निकलकर आ जाएगा तो इसीलिए एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस कम रहती है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है बीबी -बी क्यू फोर्टी थ्री और इसके बाद फोर्टी फोर -फोर्त। हमारे पास सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं देखेगा इन्हें और निपटाते हैं जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडर टेकन टू सप्लाई टू हंड्रेड पीस ऑफ अम्पोनेंट पर मंथ ये अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है।, अच्छा है। ये टेन में कभी ना कभी पूछा जाना चाहिए एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडर टेकन टू सप्लाई टू हंड्रेड पीस ऑफ अम्पोनेंट पर मंथ हम हर महीने दो सौ यूनिट सप्लाई करेंगे यह हमने ठेका उठा लिया ओके फॉर द एनसुइंग सिक्स मंथ आने वाले छह महीने के लिए तो आने वाले छह महीने तक दो दो सौ यूनिट हमें किसी एक बंदे को देनी है ये हम सामने वाले को कमिट कर चुके हैं एवरी मंथ ऑर्डर इज ओपन हर महीने एक बैच ऑर्डर खुलता है यानी हर महीने के पहले हम डिसाइड करते हैं कि इस महीने हम कितनी यूनिट बनाने वाले हैं अगेंस्ट विच मेटेरियल एंड लेबर आरस आर बुक्ड एट एक्चुअल ओवर लेविड एट अ रेट पर लेबर आर तो हम मेटेरियल लेबर तो एक्चुअल लेते हैं और ओवरहेड को लेबर आर से रिलेट करके रिकवरी रेट निकाल लेते हैं और रिकवर करते हैं ठीक है ओवरहेड लेबर आर के बेसिस पे निकलेंगे सेलिंग प्राइस फॉर पर पीस पर यूनिट सेल प्राइस है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट कॉस्ट प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर तो हर बैच ऑर्डर में कितनी कॉस्ट लगी है कितना प्रॉफिट आया है वो निकालना है यहां पर हमें अगले छह महीने के बैच साइज दिए हुए हैं तो अगले छह महीने में हम हर महीने कितने बैच ऑर्डर निकालने वाले पहले महीने 210 फिर 200 फिर 220 फिर 180 फिर 200 फिर 220 इसमें एक गलती है आपका किसी भी महीने का प्रोडक्शन 200 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए लेकिन आईसीआई ने एक महीने का 180 ले रखा है स्टडी मॉड्यूल में भी सेम मिस्टेक की है एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तब भी सेम मिस्टेक की तो आपको अगर ये कहीं पर यूनिट कम दिख रही है तो आप आईसीआई से कोई पंगा नहीं लेंगे ही दिमाग लगाएंगे आप सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट निकाल कर दिखा देंगे ठीक है तो बैच का आउटपुट दे दिया तो कह रहे हैं कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है हर बैच ऑर्डर का तो छह महीने के बैच दे दिए उनका आउटपुट दे दिया इनकी मेटेरियल कॉस्ट दे दी पूरी कितनी आ रही है ठीक है जी इनकी वेजिज दे दी पूरी कितनी आ रही है तो बताइए करना क्या है हमें हमें मेटेरियल कॉस्ट लेनी है लेबर कॉस्ट लेनी है ये दोनों हमारे पास खर्चे आ गए अब हमें ओवरहेड्स और चाहिए तो ओवरहेड के लिए यहाँ पे डिटेल दी गई है पूरे महीने के दे दिया दिया हमें। हमें बता यानी की बात कर रहे हैं पर। हमारे छेबर आर इतना इतना है और लेबर इतना है। तो ओवरहेड पर लेबर आर कितना होगा हमें रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा उसके लिए नीचे टेबल दी है। तो के 4800 पर तो टू पॉइंट फाइव पर लेबर आर आ गया टेन थाउजेंड फाइव सिक्सटी फोर्टी फोर हंड्रेड पर तो टू पॉइंट फोर पर लेबर आ रहा ट्वेल्व थाउजेंड बाई फाइव थाउजेंड टू पॉइंट फोर टेन फाइव एटी डिवाइडी सिक्स हंड्रेड टू पॉइंटीन थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव थाउजेंड टू पॉइंट सिक्स और ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई फोर्टी एट हंड्रेड टू पॉइंट फाइव हमारे पास ये रिकवरी रेट पर लेबर आ रहा गया तो हमारे पास मेटेरियल कॉस्ट आ गई लेबर कॉस्ट आ गई अब हमें ओवरहेड चाहिए जिसका रिकवरी रेट आ गया है इन बैच के ऊपर कितनी लेबर लगी है वो साथ में दिया गया है तो बताइए टू फोर्टी लेबर लगी है रेट पहले महीने का 2.5 अगले महीने का 2.4 इसके बाद फिर 2.4 फिर 2.3 2.6 एंड 2.5 ये हमारे पास ओवरहेड आ जाएंगे 240 फोर्टी इंटू टू पॉइंट फाइव सिक्स टू एट्टी इंटू टू पॉइंट फोर सिक्स सेवेंटी टू टू एल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फोर सिक्स सेवन टू टू सेवनटी मल्टीप्लाई टू पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री हंड्रेड ये हमारे पास ओवरहेड आ गए तो मेटेरियल लेबर साथ में ओवरहेड जोड़े टोटल कॉस्ट निकल गई छह महीने ले लीजिए और लास्ट में एक टोटल का कोला यहां पर हमने बैच की यूनिट लिख दी है सेल प्राइस आठ रुपए है यहां सेल वैल्यू लिख दी है मेटेरियल लेबर और एक्सपेंस जोड़े टोटल कॉस्ट आ गई टोटल कॉस्ट के बाद में प्रॉफिट निकाल लिया अब प्रॉफिट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट पूछा था तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई यूनिट करेंगे प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा तो छह महीने का निकाल के दिखाना था कि कितना कितना आ रहा है फिर ओवरऑल पोजीशन आ गई यहां पर कि ये पूरे छह महीने का केस है तो क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट निकालो हर बैच ऑर्डर का एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 हंड्रेड पीस हमें 1200 हंड्रेड पीस का ऑर्डर भी तो मिला था तो 1200 यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा वो और बता दो तो यहां पर बड़ा सिंपल है 1200 यूनिट आठ रुपए से बिकेंगी आठ रुपए सेल प्राइस है 1200 यूनिट की यहां से एवरेज कॉस्ट उठा ली जाएगी ओवरऑल पोजिशन में से एवरेज कॉस्ट उठा लेंगे तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ गई इतनी और प्रॉफिट निकलकर आ गया तो अच्छा क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन आएगा तो कायदे में टेन मार्क्स से बनता है पर इसको फाइव मार्क्स में बनाया जा सकता है अगर छह महीने की जगह तीन महीने कर दिए जाए और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये ईओ क्यू पर बेस्ड है ये आपसे कैलकुलेटर पर ही सोल्व हो जाएगा पर मैंने यहां पर रखा जिससे आपको ध्यान रहे कि ईओ क्यू की जगह ईबी क्यू भी पूछा जाता है कई बार जीएचआई लिमिटेड मैन्यूफेक्चर स्टंट दैट इज यूज बाई हॉस्पिटल इन हार्ट सर्जरी तो स्टंट जो टलता है हार्ट सर्जरी में उसके बारे में बता रहे हैं एज पर दोवाइडेड बाई फॉर्माक्यूटिकल इंडस्ट्री ब्यूरो मिलियन स्टंट एक मिलियन में दस लाख होते हैं तो फोर्टी मिलियन में हमारे पास हो गए फोर करोड़ इन द कमिंग ईयर जी एच आई लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर 2.5 परसेंट ऑफ टोटल मार्केट डिमांड तो एक कंपनी है जीएचआई लिमिटेड पूरे मार्केट की डिमांड 400 हंड्रेड लैख है उसमें से 2.5 परसेंट मार्केट शेयर इनका है तो इसका मतलब इनके पास आ गया 400 हंड्रेड लैख का 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट टेन लैख तो इसका मतलब 10 लेख स्टंट इनके पास आने वाला है पूरे साल में जो ये बनाएंगे इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 1.50 पॉइंट फाइव जीरो एज इनवेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर स्टंट पर मंथ हमें पर एन चाहिए होता है तो अगर मैं सी की बात करूं तो 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टीन रुपीज पर एन हो गया ओके एंड द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ द स्टंट मैन्युफैक्चर टू ट्वेंटी ये ऐसा गया अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है वॉट वुड वी द ऑप्टीम रन साइज तो ऑप्टिम रन साइज के लिए अंडर रूट टू डी एस बाई सी तो टू डी में आ जाएगा टेन लेख और जी एस में आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव सी में आ जाएगा एटीन और अंडर रूट ये आ गया फाइव थाउजेंड ओके इसके बाद में कह रहे हैं मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बताओ तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में कुछ नहीं करना बस होल्डिंग कॉस्ट निकाल के दिखानी थी तो हाफ ऑफ ई बी क्यू मल्टीप्लाई बाई सी मिनिमम कॉस्ट कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन दो ऑप्शन देता है कि भाई एक तो ईबी क्यू है और एक दूसरा है

रख हैं तो आज हमारे टोटल चार लेक्चर खत्म हो गए हैं और टोटल पांच चैप्टर खत्म हो गए हैं जी लाइव चैट ऑन हो गई है अब आप लोग कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जी दीप कह रहे हैं थैंक यू सर जिनको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं आराम से अच्छा आपको करना क्या है अब क्वेश्चिट और जॉब एंड बैच के जो क्वेश्चन है वो राइटिंग में करने हैं अगर आप राइटिंग में करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे तो रफ में चाहे प्रेजेंटेशन कर लो पर करने जरूर है पूनम कह रही है सर डाउट नहीं है बट आई नीड गाइडेंस फॉर मे 23 में मैंने सिर्फ बूस्टर बैच देख पाई थी 55 मार्क्स आए थे तो सर 100 स्कोर करने हो तो क्या करना चाहिए बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और 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 और, और, और एम्प्लॉय कॉस्ट का लास्ट क्वेश्चन बेटा वो तो पीछे चला गया एम्प्लॉय कॉस्ट कहां से निकलेगा और इसके अलावा आज की क्लास का कोई डाउट है तो बता दीजिए रोहित ने भेजे हैं दिल ही दिल बहुत सारे दिल भेज दिए रोहित ने लव यू सर थैंक यू लव यू टू बेटा कल कौन सा चैप्टर होगा पता नहीं सीक्वेंस देख लो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कल एबीसी होगा नो डाउट सी यू टुमारो टाटा बाय बाय उर्विकार टाटा बाय बाय ओके सर थैंक यू आपका नंबर सेंड कर देना डाउट पूछना था बेटा पर्सनल नंबर पे डाउट नहीं ऑलरेडी रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच के इतने डाउट आते हैं कि और अदर डाउट्स नहीं ले पाते इतना टाइम ही नहीं होता क्योंकि सुबह शाम तक रिकॉर्डिंग चलती है जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे हैं उन्हीं के डाउट लेने में टाइम निकल जाता है बहुत ज्यादा वाई आर एडिंग सिक्स थाउजेंड ट्वाइस इन सिक्स मंथ क्योंकि बेटा वहां पर परसेंटेज परसेंट है तो एट्टी परसेंट पे हम सिक्सटी से सेवेंटी और सेवनटी से एट्टी हर वार छ हजार रुपए बढ़ते चले जाएंगे और 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 कोई बात लव फ्रॉम बेंगलोर वरुण कह रहे हैं लव यू टू बेटा पीडीएफ शेयर कर देना अच्छा हाँ पीडीएफ शेयर कर देते हैं भाई ये अच्छी बात होता ही भूल जाता वरना में चलो जी ये हमारे पास काम हो गया लेक्चर फोर का आप लोगों से मिलते हैं कल आज लाइव चली गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गए कल आपके पास फाइव टू एट वही एबीसी करेंगे और देखते हैं टाइम बचेगा तो एबीसी के बाद कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग को देख लेंगे बाकी कल एबीसी तो होगा ही होगा ये यहां पर शेयर हो गया जितने भी क्वेश्चन है घर पे जरूर कर लीजिएगा राइटिंग में बहुत जरूरी है और इसके अलावा दिस, दिस दिस और मेरे ख्याल से कोई भी डाउट इस तरीके का मुझे नजर नहीं आ रहा ओके ठीक है जी ओके जी सभी को टाटा बाय बाय कल मिलते हैं आप लोगों से